मकसद ये है कि हम सारे वो लोग हैं यहाँ पर ओम के वो मेंटोर्स, वो सितारे जहाँ पर जमा हुए हैं, जिनके प्लेटफॉर्म अलग है लेकिन मिशन एक है, शाहीनों और कौम के बीमारों को परवाज दे सके। गालिबन हर इंसान, हर अल्हम्दुलिल्लाह हर ट्रेनर अपना इंडिविजुअली जो है अपना रोल अदा कर रहा है। मकबूल इकबाल के अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर इस कौम की तकदीर अगर बदल सकता है या बदल सकती है तो वो कौन कर सकता है? हम और आप मिलकर इस कौम में चेंजिंग ला सकते हैं और इसको एक नई डायमेंशन और डायवर्जन दे सकते हैं। उसके बाद मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहूँगा और इसके बाद हमारे पास एक मैजिशियन मौजूद है, सर शाहिद मैजिशियन मौजूद है, मैजिशियन। इसके बाद जो है थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की तरफ चलेंगे ताकि आप बोर भी ना हो और थोड़े से और भी ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़ें और प्रोग्राम को हम इसके बाद बाकायदा कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर सनी को कि वो आए और अपने जो है टैलेंट के जौहर आप लोगों के सामने रखे। सनी अगर मौजूद है, मेरी आवाज़ सुन सकता है या सुन रहा है तो वो यहाँ पर आ जाए प्लीज़। समझ आया तो बच्चों की जरूरत होगी आपकी।
इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत ही अजीम लोग मौजूद हैं। मैं वन बाय वन जो है अपने उन तमाम मेंटोर्स को, तमाम ट्रेनर्स को बुलाना चाहूँगा। असल में यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग एक दूसरे को जान सके, कोलैबोरेट कर सके, साथ मिलकर जो है इस मुआशरे में पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। तो इतने सारे लोगों को डिफरेंट एरिया से, मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से एक प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर बिठाना मकसद सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि हम आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बुलाकर नए ट्रेनर से भी आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप मिलकर इस कौम को बेहतरीन जो है वो तकदीर दे सके। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जिन ट्रेनर्स को बुलाना चाहूँगा, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 या 2.5 मिनट का टाइम है इनके पास कि वो आए, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और इसके साथ 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 ही कुछ मैसेज दें कि यहाँ से उठने वाला हर फर्द इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो मज़ीद पॉजिटिव, उसको मज़ीद एनर्जी और मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथ मिले, ताकि वो जाकर मज़ीद इस काम को बढ़ा सके और इस काम को मज़ीद जो है वो एनर्जी के साथ कंटिन्यू कर सके। आज की हमारी पहली जो गेस्ट हैं, हमारी मोहतरमा सुमेरा पटेल से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कॉल सुमेरा पटेल के आप यहाँ आए, अपने बारे में नए लोगों को बताएं। कुछ आपको जानते होंगे, कुछ आपके लिए नए हैं, और शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसके साथ साथ कोई ऐसा मैसेज कि हम हमारी और इन नौजवान ट्रेनर्स की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सके। आपकी भरपूर क्लैपिंग प्लीज़। Hope you are all doing well in this pandemic. I'm Sumera, and basically I'm affiliated with the educators these days as the campus manager. Or as a trainer, as an educationist, for more than a decade this sector mein kaam kar rahi hu, and I want to serve myself for the entire life in this sector. So basically, I'm thankful to this organization that unhone ye initiative liya, that they are actually encouraging our efforts. So मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू टू यू। एंड फर्दर मोर द थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू टेक इनिशिएटिव, जिसमें आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द टीचर्स, फॉर द ट्रेनर्स, फॉर द एजुकेटर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें वी कैन वर्क फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस। सो दिस इज़ माय प्लान, दिस इज़ माय आइडिया व्हिच आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह वेरी सून। एंड फर्दर मोर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में से जो भी ट्रेनर, जो भी एजुकेशनिस्ट मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहें, या इफ़ यू वॉन्ट टू वॉलंटियर इन दैट, सो यू पीपल आर वेलकम। So this is a very good platform where we are actually meeting each other, a kind of networking, जिसमें हम एक दूसरे साथ मिलकर we can share our ideas, we can support each other, and we can give suggestions to each other for the betterment of this education sector. So you all are welcome, you can contact me anytime, you people have my numbers, you can have my numbers and you can contact me for that. So furthermore, मैं बस ये कहूँगी कि education is not a preparation of life. Education is basically life itself. So thank you so much. Nice meeting you all. Jazakallah. The beauty of society, if there is no teacher, then there is no beauty. Teachers is muashre ki khoobsurti hai. Agar yahan par is muashre mein teachers ke wajood ko hata diya jaye ya khatam kiya jaye, to ye muashre mein istehkam aur uski baqa jo hai wo bilkul hi jari aur उसका वजूद बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और ट्रेनर मौजूद हैं और मैं उनको बुलाना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं जिनको भी बुलाऊँ तो आपकी अप्रिसिएशन, आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आप सबको खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा सैयद वली वारसी को कि वो यहाँ पर आए और अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे और कुछ मैसेज जो है वो यंग और सीनियर मेंटर के नाम। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर शाहिद का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा। मैं इस बात पर बहुत मशहूर और ममनून हूँ। हमारा एक ट्रेनिंग अदारा है स्पेशली टीचर्स के लिए,
लेकिन जब मैंने इस मैदान में कदम रखा तो कुछ अरसे बाद मैंने ये चीज़ महसूस की कि टीचर्स को तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है ही है, साथ में पेरेंट्स को भी ज़रूरत है। तो इस पर भी मैंने काफ़ी स्कोप किया और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर जो है वो हम पेरेंट्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी करवाते हैं। तो हर टीचर पेरेंट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर टीचर वो पेरेंट भी हो। लेकिन जो सूरत हाल हमारे माशरे में इस वक्त चल रही है वो ये है कि वालदैन, यानी हम सारा मलबा हमने 6 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए बच्चे के स्कूल या कॉलेज में भेजा, हम समझते हैं कि सब कुछ ओवरहॉल करके वो बच्चे को भेज देगा। नहीं, ज़्यादा वक्त वो पेरेंट्स के साथ है और फिर वो कुछ ऐसी सूरत हाल और ऐसी चीज़ों से ना सामना करे जिसकी वजह से उसकी शख्सियत ख़राब हो। या स्पेशली ये चीज़ मैंने देखी है कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसको इंजीनियर बना देते हैं, कोई कॉमर्स पढ़ना चाहता है, अकाउंटिंग पढ़ना चाह रहा है उसको किसी और फील्ड में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। बिल्कुल बजा फरमाया सर ने। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक पश्तून कम्युनिटी से है और आई बिलोंग टू पश्तून कम्युनिटी। बहुत सारे मसाइल जो हैं हमें भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा जो है गैप है, पेरेंट्स अवेयर नहीं है, ऐसे प्लेटफॉर्म सेशंस नहीं है कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, उनको समझाया जाए, उनको पॉजिटिव तरीके से जो है उनका माइंड सेट किया जाए। तो हमने और आपने मिलकर जो जितने भी जो है एरियाज हैं उनको कवर करने हैं, उन खसूसी उन लोगों पर काम करने हैं, उनका माइंड सेट जो है वो चेंज करना है। और सर ने एक अच्छी बात कही कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अनश्योर है। अनश्योर का मतलब उन्हें पता नहीं कि हमने क्या करना है। अगर सुबह आप किसी बच्चे से पूछे वो सुबह डॉक्टर बनेगा, शाम को इंजीनियर और रात को पायलट, तो मीन्स कि यहाँ पर प्रॉपर जो है वो एजुकेशन नहीं है। हमारे टीचर्स, हमारे इदारे, आई डोंट नो व्हाई वी आर लैकिंग, वेयर इज प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम मसला कहाँ है। लेकिन हमने मसाइल को डिस्कस और क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि मसाइल को सामने रखते हुए हमने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। हमने ये नहीं कहा कि बहुत सारे टीचर्स, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन पास्ट को बार बार जो है ओल्ड बिटर पाथ को उसको कैरी भी नहीं करना चाहिए कि जाबिर बिन हयान ने ये किया, उसने ये किया। आप आज के दौर को डिस्कस करें कि आज के आप लोगों ने, इस सिटीजन पाकिस्तानी ने क्या किया है, क्या अचीवमेंट है हमारी, इवन नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया हमसे बात की जो है ममालिक है, इवन दे आर मोर सेवर एंड वेल डेवलप एंड वेल प्रोग्रेसिव कंट्रीज। एक तो यूनिटी की बहुत कमी है। माजरत के साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारे इस शहर में, यहाँ पर आपको पश्तून मिलेगा, बलोच मिलेगा, सिराइकी मिलेगा, सिंधी मिलेगा, पाकिस्तानी जो है एज अ यूनिट बहुत कम लोग मिलेंगे। अगर रिलीजियस बात कहें तो यहाँ आपको देवबंदी मिलेगा, शिया मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन प्योर मुस्लिम अपने आप को कहने वाला कोई नहीं है। अगर अपना कोई पहचान करवाना चाहता है तो वो बेसिकली अपने मुल्क को, वतन को बाद में, और अपनी जात पात को जो है वो आगे रखता है कि मैं पश्तून हूँ, मैं फला हूँ फला हूँ। तभी अलामा मोहम्मद इकबाल जो है वो एक यूरोपियन टूर पे गए थे, वहाँ से वापस आने के बाद जो है लोगों ने पूछा कि अलामा, व्हाट हैव यू फाउंड, व्हाट इज द डिफरेंस हियर एंड देयर, सो ही रिप्लाइड दैट आई फाउंड इस्लाम देयर एंड आई फाउंड मुस्लिम हियर, मैंने वहाँ इस्लाम देखा और यहाँ पर मुसलमान। फिर यही कहा कि ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, सो वी हैव टू थिंक अबाउट, और सबसे पहले वी हैव टू कवर आवर बेसिक एरियाज, बीइंग अ मुस्लिम वी हैव टू कवर आवर बेसिक, हमें अपनी इस्लामी तालीमात को सामने रखते हुए जो है चलना है, प्रमोट करना है और अपनी एजुकेशन को इसी तरह जारी और सारी रखना है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाही से बच सकें और एक जरखेज जो है वो पौधे की तरह, तनावर पौधे की तरह जो है वो ग्रो कर सके। अलामा कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद पाल, अपनी कश्ती वीरा से जरा न हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साखी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे पास एक और ट्रेनर मौजूद हैं इस वक्त, अदनान खान, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाए, अपना एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन और एक छोटा सा मैसेज दें, और मैसेज ऐसे कि हमारी जिंदगियों में चेंज ला सके और हमें मजीद हौसला और हिम्मत दे, ताकि हम यहाँ से निकलने के बाद भी हमारे हौसले जो है वो पस्त ना हो, बुलंद हो और हमें एक और पॉजिटिविटी मिले। थैंक यू सर।
afternoon everyone. कमाल क्या है? सजा के रूप में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल है। हवा की जद में दिया जलाना, जला के रखना कमाल है। जरा सी लंदिश पर तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल है। किसी को देना शाहिद भाई आपके लिए, किसी को देना ये मशवरा के वो बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे वक्त में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल है। किसी की राह से या खुदा की खातिर उठा के काटे फटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल है। फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल है। कमाल आप सब लोग हैं, और कमाल तमाम टीचर्स हैं, कमाल तमाम ट्रेनर्स हैं। मेरा नाम अदनान खान है और मैं होप यूथ ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता हूँ, और एक छोटा सा ख्वाब है, और ख्वाब यह है कि आई जस्ट वॉन्ट टू कलेक्ट 500 पॉजिटिव पीपल हु कैन डू समथिंग विद कोलैबोरेशन। ठीक है, मैं 500 लोगों को जमा करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को जो एक मकसद के पीछे काम करेंगे। व्हाई 500? बिकॉज व्हेन द 500 पीपल वर्क टुगेदर वो माशरे में कोई टेंजिबल चेंज ला सकेंगे। वी ऑल आर वर्किंग इन आवर सर्कल, हम सब अपने एरियाज में अपनी जिंदगी में 10 12 15 20 50 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन माशरे में टेंजिबल नजर आने वाले चेंज के लिए कम से कम 500 पीपल जब कुछ करेंगे तो वो टेंजिबल चेंज ला सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रेनर्स और टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सबको पता होगा कि एक एक बात बड़ा दिल दुखाती है कि अक्सर बात मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर लोग टॉन्ट करने लगे आजकल कि हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना फिरता है और जिसका दिल चाहे। आई दैट थिंग मेक्स मी फील दैट कि माशरे में अंधेरा कितना हो गया। What is motivational speaker and who is motivational speaker? The person who motivates other, the person who keeps heard, the person who makes you see the way, the person who tries to bring some positivity in the society. That's a motivational speaker. So it means that मुझे लगता है कि 22 करोड़ आवाम में 22 करोड़ को motivational speaker होना चाहिए, क्योंकि demotivate करने वाले तो बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन दिल रखने वाले, मुझपर बात करने वाले, तारीफ करने वाले बहुत कम लोग हैं। आखिर में मैं तारीफ करना चाहूँगा शाहिद साहब की और जो इजी इंग्लिश के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी हैपन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं। वी ऑल नो दैट कि माशरे में कितनी बुराई है, टॉन्ट टन्स बुराइयां, नेगेटिविटी, तो एक हवा का झोंका है, अंधेरा बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने हिस्से का दिया जला है ज्यादा कर। बिल्कुल चेंज की जहां बात की जाए तो आप चले जाए 1947 से पहले। बरेसगीर की हिस्ट्री आप सबको मालूम है कि जहाँ पर एक ख्वाब था, सिर्फ एक ख्वाब था, एक ही प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर रंग और नस्ल की कोई बात नहीं थी, वहाँ पर एक ख्वाब था और एक जद्दोजहद शुरू हुई थी, और उस जद्दोजहद ने एक ऐसी ताकत पकड़ी थी कि 1940 के बाद 1947 को पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ था। तू बांधता नहीं कमर, तू डरता है, तू लोगों की कामयाबी से सड़ता है, तू खुद को धकेल के अंधेरों में रोशनी की ख्वाहिश करता है, तू आज का इंसान, तू बेहिस इंसान, तू अपनी जन्नत जैसी माँ से भी लड़ता है। सो वी हैव टू ब्रिंग चेंज। हमने अपने पेरेंट्स की, टीचर्स हमारे रोल मॉडल है। असल में आज का अलमिया ये है कि ईदी का एक मशहूर लाइन है कि लोग तालीम याफ्ता तो हो गए लेकिन इंसान नहीं बने। तो इल्म क्या है आपके, तालीम ये नहीं है। आज के बच्चे से अगर आप पूछें तो अगर आप पूछें कि व्हाट इज एजुकेशन, तो वो कहेगा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है, गाड़ी, ये सारी चीजें। नहीं, दिस इज नॉट एजुकेशन। इल्म क्या है? इल्म आपको जीने का सलीका, बैठने का सलीका, उठने का सलीका, अपने बड़ों का एहतराम, खुद में एक जिंदगी है इल्म। तो आजकल पेरेंट्स और जो है बहुत, मैं बहुत 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 ज्यादा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस होता हूँ कि आज के हमारे जो बच्चे हैं इनमें इखलाकियात की बहुत कमी है। अगर मास्टर्स ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे, उनको ये नहीं होता कि अपने सीनियर्स से बात कैसे की जाए, अपने सीनियर्स को कैसे जो है वो टैकल किया जाए। मैं समझता हूँ कि इस ओम को जहाँ दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने की जो है वो बात की जाए, वहाँ पर इखलाकियात भी जो है वो हर स्कूल में पढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो अदब और अखलाकियात से आगाह हो सके और एक बेहतरीन इंसान बनकर इस मुआशरे को एक बेहतरीन जो है वो
डायरेक्शन दे सके। इसके बाद हमारे पास हमारी एक और बहन मोहतरमा यहाँ पर मौजूद हैं और इनके भी खिदमात हैं यहाँ। इनको बुलाने का मकसद इनको खिराज तहसीन पेश करना था, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं क्योंकि वो बिहाइंड द बैक काम करते हैं और इनका चेहरा जो है वो फ्रंट पे नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बच्चे कुर्बान कर दिए हैं। हम जैसे लोग कमाते कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक मकसद के लिए काम करते हैं। हम वही मकसद हमारा ये है कि हमारा आने वाला बच्चा, हमारा आने वाला कल जो है वो बेहतरीन हो। और आप जैसे लोग इस अमल में जुड़े हुए हैं तो मैं आप जैसे बेहतरीन और अजीम शख्सियात को तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। मैं सलूट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इतनी हिम्मत, ताकत और उरूज दे कि आसमां भी आपके वसतों पे नाज करे। नाउ आई वुड लाइक टू ज़ैनब मोहम्मद कि वो आए और अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे और एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट व्हेनेवर अ ट्रेनर कम्स टू प्लीज अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच। Other than that, I have been in the training sector for the past 3 years. I am currently heading 3 departments at my school where I'm working, which is one of which is the head of I'm the head of professional development department for the staff. Other than that, I'm also heading the social emotional learning department of Badri High School and project based learning department of Badri High School. अभी बैठकर मैं आप तमाम लोगों की बातें सुन रही थी तो मैं सोच रही थी, जैसे मैंने सर की बात सुनी कि वो 500 ऐसे लोग जमा करना चाहते हैं जो सोसाइटी में कोई टैंजिबल चेंज ला सके। मैंने मिस की बात सुनी कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती हैं जहाँ तमाम लोग मिलकर कोलैबोरेट करके काम करें। मैं सोच रही थी, आई वाज स्कैनिंग माय ड्रीम्स, बहुत सारे सोच रही थी कि कौन सा वर्थ शेयरिंग। सो अजीब सी बात है, पता नहीं हम उससे अपनी करें ना करें, बट आई सी दैट मॉडल्स, सुपर स्टार्स, हीरोइंस, हीरोज को बड़ा आइडियलाइज करते हैं लोग, लेकिन टीचर्स को कोई आइडियलाइज नहीं करता। बेचारी टीचर का अगर सोशल मीडिया अकाउंट भी होता है तो कोई पूछता नहीं है उसको, वो कुछ बनाकर डालती भी है तो बड़े कम व्यूज आते हैं, बेचारे को कई हज़ारों ग्रुप्स में उसको शेयर करना पड़ता है। आई वॉन्ट एंड आई डिज़ायर टू सी टीचर्स एज द आइकन ऑफ सोशल चेंज इन दिस कंट्री। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा वक्त आए कि लोग अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए किसी सुपरस्टार या किसी मॉडल की तरफ ना देखें, बल्कि उस इंसान की तरफ देखें जिसकी बात में 100% बल्कि 1000% सच्चाई है, जिसकी बात में कोई शक नहीं है और ना हो सकता है। थैंक यू सो मच सर शाहिद फॉर कॉलिंग मी हियर। कई दफ़ा मिलना चाहा सर से पर मुलाकात नहीं हो सकी। अदर देन दैट माय टीचर सिटिंग हियर, तो स्टाफ की बात हो रही है तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट कैन प्लीज स्टाफ को माय टीचर मिस सलमा। एक एग्जाम्पल शेयर करूँ, कई साल पहले 3 साल पहले मैं BLT क्लासरूम में बैठी हुई थी एंड आई जस्ट एक्सप्रेस्ड माय डिज़ायर दैट मीन्स आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, बात करना चाहती हूँ आकर, बड़ा शौक है। मिस सलमा वॉज द पर्सन हु इग्नाइटेड दिस इन मी एंड टोल्ड मी दैट यू कैन डू दिस एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड देयर इज नो स्टॉपिंग मी अलहम्दुलिल्लाह। तो टीचर ही होता है जो सीड सो करता है और टीचर ही होता है जो उसको नर्चर करता है और फिर वो टीचर ही होता है जो स्टार्ट सो करता है। सो फॉर ऑल ऑफ अस थैंक यू वेरी मच। It can motivate you until unless you motivate yourself. जुड़ते हैं और कारवा जो है वो बनता चला जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और ट्रेनर यहाँ पर मौजूद है। I would like to call Mr. Salimullah Sheikh कि वो यहाँ पर आए और अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ एक थोड़ा सा मैसेज। I would like you to please clap for him. Come on, everybody, shabash. Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं इसके डेवलपमेंट नॉलेज वाइज इसके डेवलपमेंट के शाहिद साहब और इसी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये महफिल यहाँ पर सजाई। अच्छा, अपने बारे में उन्होंने कहा कि तारुफ करवाएं, तो मेरा नाम सलीमुल्लाह शेख, जैसे कि उन्होंने बताया उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम से वाबस्ता हूँ मैं और उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम कैंपस 13 जो कि बॉयज़ का ओलेविल कैंपस है उसका वाइस प्रिंसिपल हूँ और इसके साथ साथ उस्मान पब्लिक स्कूल कैंपस 13 के शोबा उर्दू का हेड भी कह लें आप, मुझे कोऑर्डिनेटर कह लें, उससे ताल्लुक़ है। और सिस्टम की जो एक सेंट्रलाइज कमेटी है 8 रुकनी उर्दू की, उसका मेंबर भी हूँ। इसके अलावा रोज़नामा जंग लंदन से मेरा ताल्लुक़ है और लिखने लिखाने से भी ताल्लुक़ है।
शाहिद साहब से जो हमारा तारुफ और ताल्लुक है, एक तो हमारे कुलीग भी हैं, उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से जो है हमारा मुश्तरक एक मिशन है। और आपने देखा होगा कि जब टीचर्स ट्रेनिंग की बात आती है तो इंग्लिश के हवाले से बेशुमार लोग आते हैं सामने, मैथ के हिसाब से, साइंस के हवाले से, लोगों को मोटिवेट करने के हवाले से, लेकिन उर्दू के हवाले से आपको बहुत कम आवाज़ इंटरनेट पर मिलता है। तो यही हमारा शोबा है। और उर्दू के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6-7 साल से इसी शोबे को हमने अपने साथ जुड़ा हुआ है, और उर्दू ट्रेनिंग के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हमने तैयार की, और जो डिस्पैच का जो इदारा है इसके साथ भी हमने वर्कशॉप की हैं। और बुनियादी काम हमारा सिर्फ ये है कि उर्दू के हवाले से लोगों को जो दिक्कत पेश आती है उसको दूर किया जाए, और उर्दू की ट्रेनिंग के हवाले से, उर्दू की तरबियत, उर्दू में मवाद को मुंतकिल करना। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो सामने आती है उर्दू के हवाले से वो ये होती है कि लोगों को उर्दू टाइप करने में बहुत मुश्किल होती है, तो इस हवाले से भी हमने काफ़ी काम किया और मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेनिंग्स भी करवाई। और यही हमारा मिशन है कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू सिर्फ़ इस वजह से नज़रअंदाज ना की जा सके कि इसके लिए इंटरनेट पर कोई मवाद मौजूद नहीं है या कोई ट्रेनिंग सेशन मौजूद नहीं है। तो इसके लिए शाहिद भाई के साथ हमारा ताल्लुक है, और वैसे भी अगर कोई करवाना चाहे तो हम उनके लिए हाज़िर हैं। और इसके लिए असल मिशन हमारा सिर्फ कि कौमी ज़ुबान जो है इसको इसका असल मुकाम दिया जाए। जलाकर बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, उर्दू ज़बान हुस्न है और इंग्लिश जो ज़बान है वो ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमने आगे बढ़ना है, और इस वक्त पूरे आप देखें कि पूरे दुनिया में जो डोमिनेंट कौमें हैं उनकी ज़बान इंग्लिश है। सर सैयद अहमद ख़ान आप सभी जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि ये ज़बान हमने सीखनी है। क्यों? ताकि हम उनको उनकी ज़बान में समझा सके और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सके। बाकी उर्दू जो है, बेसिकली मैं ख़ुद पश्तून हूँ लेकिन मुझे उर्दू में घर में भी उर्दू बोलता हूँ, और उर्दू जो है मैं उसको हुस्न समझता हूँ कि इंसान की अगर खूबसूरती है तो वो इंसान की खूबसूरती की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर इस मुल्क की खूबसूरती और यहाँ के लोगों के कल्चर की बात करूँ तो उर्दू जैसी वसी और तारीखी ज़बान कोई नहीं है, और इंग्लिश चूँकि मजबूरी है। मैं अपने इदारे के बारे में भी एक मिनट जो है वो लूँगा। ईजी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 5 ईयर्स से बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ। 34 अल्हम्दुलिल्लाह कैंपसेस हैं पूरे कैपिके में चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जितना भी इनकम आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की फलाह में लगता है। यहाँ से बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, जितने भी फीस वगैरह कलेक्ट होती हैं हम उन यतीम और उन गरीब जो है वो घरों में जाकर, सिर्फ मैं राशन पे काम नहीं करता, मैं किसी को ये नहीं कि आटा दे दो चीनी दे दो, नहीं, मेरा काम है एजुकेशन के, मैं बच्चे को इस काबिल बनाऊँ। बच्चे को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो खुद खड़ा होकर मेहनत कर सके, वो भीख ना मांगे। अगर आप उसको, बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमें काम करना है एजुकेशन पर, हमें अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, ना कि उसको हाथ फैलाने की जो है वो आदत। जो कि इस ये कौम इस वक्त बड़े गलत डायरेक्शन में जा रही है, बहुत सारे वेलफेयर जो है वो इदारे खुल रहे हैं लेकिन बदकिस्मती से एजुकेशन पे बहुत कम काम हो रहा है, चीनी राशन और इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये चलता रहेगा। ये पॉवर्टी कभी भी ख़त्म नहीं होगी अगर हमारी यंग जनरेशन जो है वो अवेयर नहीं होगी और अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी। इसके बाद हम एक और ट्रेनर को यहाँ पर हमारे साथ मास्टर ट्रेनर सर नसीम मौजूद हैं, तो मैं आपकी भरपूर तालियों से उनका इस्तेमाल करना चाहूँगा। इसके साथ सर अंसर है मौजूद, थैंक यू सो मच सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अनदर ट्रेनर, इसके बाद मैं एक और ट्रेनर को बुलाना चाहूँगा। कौम के ऐसे लोग बैठे हैं कि उनको सामना करना, मैं अभी भी अगर डाइस के पीछे मैं बड़ा ज़रूर हो गया हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे सीनियर्स होते हैं तो ऑटोमेटिक मेरे पैर कांपते हैं क्योंकि ये सीनियर लोग हैं, और मेरी औकात भी नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है वो नज़रें उठा के देखूँ। इतना एहतराम है आप लोगों का, और इतना जो है वो अगर कोई समझे उस्ताद को, उस्ताद की अहमियत को, रुतबे को, तो मैं नहीं समझता कि वो कभी भी गलत या ऐसे या गुमराह हो सकता है। इसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूँगा अदनान आरिफ को, हमारे नए दोस्त, नए ट्रेनर को, कि वो आए अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, और इसके साथ साथ एक छोटा सा मैसेज
हमारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपके जहन में, आपके दिल में जो अल्फाज हैं वो आप आए और हमारे दिले और जहन को जो है वो हिट करें, ताकि यहाँ से जाने के बाद हम शाहीन बन के उड़े और इस कौम के मेहमानों को उड़ते हुए यहाँ से लेकर दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तो वही हमारा भी काम हो के इस मिशन को दश दश भी न देखे, सहरा सहरा भी न देखे और ये तूफान बन के हम चले और पूरे मुल्क में तब्दीली लाए और पाकिस्तान दुनिया के पूरे ममालिक में नक्शे में दुनिया के, इंशाल्लाह ये हमारा ख्वाब है कि अपने वतन को जो है वो दुनिया की बेहतरीन जो है वो कौम बनाना है। आप सब कायम है कि नहीं है, तो इस बात को सबूत है कि थोड़ा सा बच्चा आपने बनना है पाकिस्तान। जितना भी कूड़ा हो जाए इंसान, जितना भी एजेड हो जाए, एनर्जी कम नहीं होगी, जहां पर वतन और जहां पर धरती माँ, इस माँ ने हमें पला, इस माँ की आगोश में हम बड़े बड़े हैं, ये हमारी माँ है, जिस तरह हम अपनी माँओं से मोहब्बत करता करते हैं तो ये भी तो हमारी माँ है, हमें खिलाती है, हमें परवरिश, हमें हमें अपनी आगोश में संभाला हुआ है और हम इसी आगोश में पलवर रहे हैं, तो अपने वतन अजीज के नाम इतना ऊंचा नारा होना चाहिए। आज एक मिनट के लिए बच्चे बनो ताकि यहाँ ईसा की पोथी से आवाज इतनी दूर जाए कि लोगों को पता चले कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर टीचर्स और माहिर तालीम और ट्रेनर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो आज के दिन एक नया दिया जलाएंगे, एक नई मशाल जलाएंगे और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पूरे शहर में इंशाल्लाह इलम जो है हर सूबे लेगा। तो मेरे साथ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। उसके अदनान आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जल्दी स्टार्ट की थी, तो
थोड़ा मुझे थोड़ा मोटिवेट स्पीच भी चला गया। उस स्पीच थी 6 सितंबर के ऊपर, तो मैंने एक ARI पे इंटरव्यू लिखा था जैद हामिद साहब का, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि नौरानी फौज आ गई थी और जहाज थे और ये हुआ फना फना, तो मैंने स्पीच लिखी 5 मिनट की स्पीच, जाकर खड़ा हुआ पोडियम पर, और उसको दुआ की थी कि पोडियम जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, मैं उसको पकड़ सकूँ पीछे छुप सकूँ, तो मेरी दुआ कबूल होगी पहले। उसकी एक बंदे ने मुझे एक टिप दी थी, वो टिप ये थी कि जब तुम खड़े हो ना अपना चश्मा उतार लो तो ऑडियंस दिखाई नहीं देती, कौन क्या सोच रहा है कौन कैसे दिख रहा है, तो चश्मा भी उतार दिया, हुआ ये चश्मा तो उतार दिया मुझे स्क्रिप्ट की नजर नहीं आई लिखा गया। तो खैर इसी तरीके से somehow I managed it and उस स्पीच कर ली, तो वहाँ पे जाहिर सी बात लोग हंसे भी, टीचर्स भी हंसे, टीचर से काम मोटिवेट कर होता है, सारे टीचर्स मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को सो होते होता है, तो थोड़ा बहुत हंसे, तो वहाँ पे क्लास का सबके पास हो गए, उसका काम ये होता है टीचर्स की मिमिक्री कर रहा, वो टीचर्स की मिमिक्री करते हैं लोगों पास आते, तो उससे बड़ी दूसरी बात थी, बोलते हैं सर जो लोग पीछे खड़े होकर हंसते हैं ना उन्हें ये नहीं पता होता कि सामने स्टेज पर जाके बात करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, तो ये हिम्मत नहीं हुआ टीचर को काम करें। और एक क्लास की जो आप सब अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टेज मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ज़्यादातर, छोटा सा एक टूल है जो कि मैंने भी अप्लाई किया था जिंदगी में, अब ये जो होता है ना ये होता है डेंजर जोन, ये होता है आपका कम्फर्ट जोन और ये होता है आपका एडवेंचर जोन। अब जो लोग कम्फर्ट जोन होते हैं सारे वो लोग हैं जो एक जमाने में बैंक थे ना किताबों में लिखा करते थे रिकॉर्ड्स बनाते थे, उन्होंने कहा यार कौन सीखेगा कंप्यूटर्स कौन सीखते हैं एमएस एक्सेल, वो धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आ रही है ना, लाइफ को फाइल में थोड़ा सुनते हैं उसको आते हैं जल्द से काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक घंटे में चाय पानी भी निकल जाता है। फिर हुआ ये कि 20वीं सेंचुरी में या तो 1995 में के बाद MBA तो JBA निकलना स्टार्ट हो गए, अब मार्केट में ये बच्चा जब निकलता है कम पैसों में भी मिलता है स्किल्स भी अच्छी है इसकी, तो वो उसको बैच में रिजेक्ट करना स्टार्ट करते, तो जितने सारे कम्फर्ट जोन में थे वो कहाँ चले गए डेंजर जोन में चले गए, और उन्हीं में से कुछ लोग जो होते नहीं हमने अपनी ज़िंदगी बचानी है हमने अपनी बिजनेस डेवलप करनी है वो कहाँ आ गए एडवेंचर जोन में, जब एडवेंचर जोन में आए तो वो अपना काम कर रहे हैं। इसकी रेलिवेंस सीधी मेरी घर पर, मैं जब छोटा था मेरे कॉलेज में जब मैं पास आउट हुआ तब एक चीज़ निकली थी अपना गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो एक होता है संघ कोटा, तो बड़ा चले गए संघ कोटा पर नौकरी मिल जाएगी, बच्चों को सुनते हुए आपको बड़े होकर मिल जाएगी, सिलसिला ऐसा हुआ कि संघ कोटा 2013 में ख़त्म कर दिया था ब्रह्मश्री संघ, अब देख देंगे हमले सिद्धर होता है ठीक है। तब ने पहले काम था कम्फर्ट जोन कहाँ पहुँच गया डेंजर जोन, अब उसको निकल जाएगा एक ही रास्ता था वो रास्ता था एडवेंचर जोन में आकर Then I did BBA, then I started teaching people, learning English. तो ये सब चीज़ें करते करते आज भी मेरे अंदर ट्रैवल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सब्जेक्ट में अटेंशन हमारा वहाँ से एम एस बी यही एक मोटिव एप्लीकेशन करें टीचर के साथ और ताकि हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज ए कंपनी पूरी हो सके, और डी मोटिवेट की एक ही चीज़ होगी जिसमें शाहीन करवा दी वो फरेक होता शाहीन जो पला होकर कि धोबे वो फरे खुर्दा शाही जो पला हो कभी जो है जो ये सुनता है कि यार तुम तो मोटिवेशन नहीं करते हो अच्छी बात नहीं करते डिमोटिवेट करते हैं आप तो तुम करते तो मैं वो क्या चाहते क्या है ना हो दस में शिपा के तो पला पड़े जमीन लोगों में इसे क्या पता कि पूछे आई थोड़ा कैसे हो सही हो बस। ओके वो आए और अपने बारे में जो है वो आप लोगों को आश्ना करे और इसके साथ साथ एक ऐसा मैसेज वही के जो इनकी स्पेशलिटी सर प्लीज क्लैपिंग होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, माय नेम इज नसीर अहमद और शायद द फर्स्ट पर्सन हु आई मेड इन पाकिस्तान में लाइफ पार्टिसिपेशन टाइम फॉर 18 इयर्स 18 साल के बाद पाकिस्तान आया शायद वो आज फर्स्ट पर्सन। एक्चुअली आई एम एजुकेट ग्रेजुएट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी 2005 एंड टॉप किया था बैंक यूनिवर्सिटी में, स्कॉलरशिप मिली, मास्टर्स की हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, थीसिस लिखा
से उनको ब्रेक लॉक कर था, पीजीडी के लिए किया क्योंकि एजुकेशन फॉर्म था, पीजीडी की पाकिस्तान में आया 2018 मैं यहाँ पे आपको सिखाने नहीं आया, सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है कि जो हमने किताब में पढ़ाई, जब तक आप बच्चों के हार्ट को उनके दिल को चेंज नहीं करेंगे आप न सही एजुकेटर होंगे न वो सही स्टूडेंट होंगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बुक्स पेन सारे 18-18 साल तक बच्चे पढ़ते रहे, एट द एंड सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया जब वो लाइफ में आए। मैं बायोकेमिस्ट्री का ग्रेजुएट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मास्टर्स और एजुकेशन का समझे पीजी, और अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आईटी ऑफिसर, यानी बिलीव इट। तो कहने का मकसद ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आपके अंदर विल है। जब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन किया तो एक फोर्थ लार्जेस्ट हॉस्पिटल है कराची के अंदर, 410 ग्रेडेड हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट कदर हॉस्पिटल, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, फोर्थ लार्जेस्ट टीचिंग हॉस्पिटल है हमारा कराची का, और वहाँ पे SCPS और MCPS की ट्रेनिंग होती है, और वहाँ पे फैकल्टीज हैं। फैकल्टी का मतलब है अगर MCPS SCPS का फैकल्टी है तो गवर्नमेंट उसको 500,000 दे करती है, और कुछ टैम पेपर नहीं है विजिबली, कुछ भी नहीं, 48 सीट्स पे सिर्फ साल में 6 महीने में 3 से 8 कैंडिडेट आते हैं। हमने TGME डिपार्टमेंट बनाया, फर्स्ट ईयर के अंदर 110 एप्लीकेशन रिसीव, और अभी वो हमारा TGME डिपार्टमेंट टॉप है, और कतरा हॉस्पिटल थोड़े दिनों के बाद आप बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो कहने का मतलब ये है सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेल्यूअर इज नॉट फेटल, इट इज करेक्ट टू कंटिन्यू दैट काउंट, कंटिन्यू रखें। और सबसे बड़ा मिसाल हमारे पास COVID-19 है, अगर इसको पॉजिटिव लें तो कैसे हम व्हाइट बोर्ड से कंप्यूटर पे आ गए, हमारे बच्चे हमसे बेहतर कंप्यूटर चला सकते हैं, हमारे बच्चे हमसे बेहतर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। कहने का मकसद ये कि बच्चों के हार्ट को देखें, उनके हार्ट को चेंज करें, सिर्फ उनको पढ़ाएं नहीं, उनको ऐसा बनाएं कि वो खुद पढ़े। जब मेरी क्लासेस होती हैं PGME की रिसर्च की तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनको ये बोलता हूँ कि ये टॉपिक है, सब अपने मोबाइल ऑन करो क्लास के अंदर और रिसर्च करो, खुद से सीखो। और रिजल्ट में इन द स्विट्जरलैंड में कुछ बेटन के साथ थोड़े दिन के लिए मेरा रिजल्ट सबसे बेहतर होता था। मेरे हिसाब से एजुकेटिंग माइंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एजुकेटिंग हार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। नाउ जो है हम आपको एक एजाजी शील्ड देंगे, ये आपको याद दिलाती रहेगी कि आप किसी इवेंट में आए थे, हमारी तरफ से हमारी मोहब्बत एक सुंदर सा नजराना सा शायद आपको पेश करेंगे, आपकी भरपूर लगेंगे तमाम बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। असा के ही हम मेहनत कर गुर्जे इंशाल्लाह, हमारे सीनियर मेंटोर मौजूद हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा अहमद नकवी साहब को कि वो यहाँ पर आए और अपने बारे में आप लोगों को जो है वो आश्ना करा सके कि उनका ताल्लुक कहाँ से है और क्या मिशन है क्या विजन है। तो आपकी भरपूर तालियों में देखा या आया कि वो लोग
जो कुछ नहीं कर सकते और जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें जो है वो रिकमेंडेशन की बात होती है कि बर्निंग डिजायर अगर आपने कुछ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी आप जो है वो कुछ करने का आपके पास है कि आपने करना है। तो यहाँ पर जितने लोग मेरे आपसे बात कर रहे हैं वो यही है कि कुछ करना है और मैंने अपना कुछ ढूंढ किया, ये गलत किया। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा फॉर फ्रेटर्निटी ऑफ दी हमारी जो पैनल टीचर की बात है, ये लोग रोल मॉडल हैं। मैं सुन रहा था लोगों के हमें जो है शायद डिमोटिवेशन और मोटिवेशन की भाव दिया गया कि हमें जो है हम कहते थे लोग, लेकिन टीचर स्पेशली रोल मॉडल होते हैं। और मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने बचपन की अगर बात करूँ या अपनी अपनी स्पेशली लोग हमें फॉलो करते हैं, अगर हम उनके रोल मॉडल होते हैं तो हमें फॉलो करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम उनको उनको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। और रोल मॉडल बनना वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं वाकई देखूँ कि अगर रोल मॉडल का अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे अगर आप लोग लेडीज की कहीं बात करें स्पेशली अगर स्टूडेंट्स को, तो बहुत सारी मैंने देखा है औरतें लड़कियाँ बच्चियाँ को फॉलो कर रही थी आपके कलर्स को कि मैं उसने कौन सा कलर पहना था, ऐसा होता है सर। और वो ये कहती हूँ कि आज मैंने ये कलर पहन के आएंगे तो वही कॉपी करने की कोशिश कर रही होती है। और बल्कि हम भी अगर बचपन में देखा जाते थे तो टीचर होते थे उनको उनके बाल कभी बड़े हो जाते थे, हम भी कोशिश करते कि बाल बड़े जाते तो हम उनको फॉलो करते रहते थे। लेकिन अब हम जो स्पीकर या ट्रेनर, ये वो लोग हैं जो हमें डेवलप करना है लोगों को और लोग हमें फॉलो करेंगे। सेकेंडली, हर चीज़ जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। मैं फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात करूँ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करूँ, हमारे लिए ये भी होता है कि हम क्या अभी सब कुछ कहते हैं कि हमें कुछ मिलेगा भी, कुछ बेनिफिट भी है, कुछ कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी है। ये तरीका सबसे बिग या सबसे आज का जो मेन जो फील्ड है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग या ये फील्ड है, इसको टेकर से दूरी कर लिया है। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है वो बिल्कुल अर्निंग नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा आजकल जो अर्निंग का जो जरिया है और सही तरह से डेवलप किया जाए वो टीचर्स हैं, ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं, तो हाईली ग्रेड हैं। आप आशी मनीष आपको देखते हैं, अगर बात को देखते हैं आप किसी और की बात करें और हमारे अशोक साहब को देख रहे हैं, लोग हैं स्पेशली। मैं आपकी बात करूँ तो हम लोग चार्ज करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसे नहीं हैं कि हमें बिल्कुल थर्ड कैटेगरी में रखा जाए, हम अपने आप को जरूर कर सकते हैं। लेकिन रोल मॉडल की दीवार अगर आपको ट्रैक करूँगा, हमें रोल मॉडल करने के लिए अपने आप को थोड़ा जूम करने की जरूरत है। रोल मॉडल जब बनते हैं जब हम भी उनके लिए ऐसी चीज करके दिखाएं कि जो हमें फॉलो करें, तो टीचर की स्पीकर की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अगर कुछ करना है तो रोल मॉडल के लिए हमें अपने आप को जूम करना पड़ेगा। जैसे नाम के रखता है आपने बात की जैसे बिल्कुल सही, कम्फर्ट जोन और आजकल जो डेंजर जोन और जो आपका एडवेंचर जोन है, यही वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर लाइफ आपकी जो है वो कंटिन्यूटी है, हर वक्त आप ग्रो कर रहे हैं तो यू आर लाइफ अलाइव है। अगर आपने एक सेकंड भी आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया, यू आर डेड। मैं अपनी शेप अगर मैं कल सुबह देखूंगा तो दोबारा ग्रो हो जाती है, हमारे नेल हर चीज़ ग्रो कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बेसिकली फिर ग्रो कर रहे हो। तो हमें हर वक्त ग्रो करना है, ये मैसेज है हम सबके लिए कि हमें कुछ ना कुछ ग्रो करना है। जब तक हम अपने ग्रोथ को ग्रो नहीं करेंगे तो लोग हमें रोल मॉडल नहीं बना पाएंगे। दिस इज द मैसेज और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत एक अंदर से एक खुशी से अंदर से रो भी रहा हूँ, एक खुशी के लम्हात है, जज्बात है, क्योंकि जब मैं अपनी बहनों को यहाँ पर देखता हूँ, ख्वातीन फीमेल का रोल इस मुआशरे में जहाँ बात की जाए तो औरतों को पीछे साइडलाइन जो है वो किया जाता है। औरत क्या कुछ नहीं कर सकती, माँ है, बहन है, बेटी है, हर रूप में इस मुआशरे के हुस्न को बरकरार रखती है। तो आज हमारे बीच जो है वो मेल चंद दानों में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह भारी तादाद में आज हमारी फीमेल इस बात का सबूत दे रही हैं कि पाकिस्तान की किस्मत और तकदीर बदलने वाली है। क्लैपिंग फॉर देम इंशाल्लाह। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा एक और ट्रेनर हमारे पास,
सीनियर ट्रेनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि सर से भी कुछ सीखें। आपकी भरपूर क्लैपिंग में उनको बुलाना चाहूँगा, सर अशोक कुमार सिजवानी को, कि वो आए और हमें कुछ सिखाए आज की इस तकरीब में। हम आपसे कुछ सीखें सर जी। वहां के लोगों को स्टडी करता हूँ। ये तो मुसलसल अमल है जो मैं करना है।
घर पे बैठे हुए टीचर भी मतलब कोई इंपैक्ट फिल नहीं होगा। अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इस तरह बनाइए ना, देखिए मैंने ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, आप ना बोले आपका स्वागत बोले इसने ये किया ये किया ये किया। सर अहमद नकी ने 25 साल से ट्रेनिंग ली है, मैं भी करीब 8 साल 25 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूं, एक मरतबा इनका सेशन अटेंड कर लिया गुलाम हो गया। अरे दो लोग हो अकेले हो पांच लोग हो पांच करोड़ हो ये मेरे अंदर हमेशा है, चाहे सर कासिम अली शाह से मिलूंगा कामरान रजी साहब से, मैंने आरती उतारी थी मेरे वीडियो में आरती उतारी थी सर जी, यूं खड़े होके लोगों ने कहा यार वहां पे क्या आदमी पागल है, रो पड़े थे मैं और कामरान सर उसी ने बजा लगा के उसे कहते हैं एक्चुअल उससे कहते हैं आप यकीन करेंगे अपनी प्रोफाइल ऐसी बनाए। सर ने बड़ी अच्छी बात की कि आपके अपनी शख्सियत से अपने इल्म से अपने इखलास से, देखिए आज भी हम अपने उस्तादों को जानते हैं फलां उस्ताद से पढ़ा था फलां उस्ताद से कोई नहीं अपना ट्रेनर ने ट्रेन किया था मैंने बोला फलां ट्रेनर से ट्रेन किया था, जिस दिन जो ट्रेनर हजरा दिया उस्तादों के आगे में हमेशा गुलाम होगा, जिस दिन ट्रेनर के आगे तो इस तरह कहेगा कि सर अहमद नकी से ट्रेनिंग हासिल की थी उस दिन ट्रेनर कामयाब है उस दिन ट्रेनर कामयाब है। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अपनी प्रोफाइल पे बहुत काम करें, राइटिंग वाले भी एक्टिंग वाले फेसबुक से लेके नोटबुक तक आप लोगों को ऐसा अपने आप को बना लेना, देखिए कोई जो 2500 ट्रेनर है माइनस में तो कोई थे इधर ट्रेनिंग की बात है सिलेक्ट नहीं है उधर ट्रेनिंग की सिनेमा की लड़की के साथ घूम रहे हैं इधर ट्रेनिंग की किसी जगह पे घूम रहे हैं किसी और मामला के अंदर आज ऐसा नहीं। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और 25 साल और 26 साल जब एक्सपीरियंस की बात मैं यहाँ बैठे हुए सोच रहा था कि मेरे तो पेपर पहनने के दिन थे तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आज यहाँ इतने एक्सपीरियंस और इतने एक्सपर्ट लोगों के सामने और उनके साथ जो है यहाँ पर तशरीफ रखा यहाँ पर हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है माशाल्लाह। तो ये मेरी खुश नसीबी है कि हमारे यहाँ पर सर नसीम जब आएंगे तो ये भी हमारे उस्ताद हैं हम अपने उस्ताद के साथ ही बैठे हैं और यहाँ पर एक ब्लूटूथ एनर्जी मुझे भी मिल रही है एक अजीब सी सोलर सिस्टम है कि उस्ताद के साथ जब बंदा बैठता है तो एनर्जी वो कनेक्शन हो जाता है और इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसके साथ हम अपनी एक और मोहतरमा हमारी बहना और गालिबन मेरे से उम्र में अगर छोटी हैं या बड़ी होंगी तो मैं आपा बुलाऊंगा उनको कि मैं बुलाना चाहूंगा आयशा मरहूम को कि वो आए और यहाँ पर जो है अपना छोटा सा तारुफ करें और इसके साथ साथ जो है हमें एक मैसेज दे लेकिन ख्याल रखें क्योंकि हैं टाइम की किल्लत है और सब ने यहाँ पर जो है वो आना है तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। अच्छा ये तो छोटी हैं ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं कहूँगी, जिस तरह की तरबियत आप लोग अपने स्टूडेंट्स की करना चाहते हैं आई एम डेड श्योर स्कूल की जॉब में करते हुए तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज यू नो कॉमन टीचिंग जॉब्स में आपके पास शैकल यू गाइस आर शैकल्स और ये बंद हो गया आई थिंक मेरा मतलब आई वांट टू फिक्स इट मे आई फिक्स इट जो कॉमन स्कूल की जॉब होती है स्कूल में तो आप इतने शैकल हुए होते हैं और इतने चेंज अप हुए होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस से और उसके बाद घर पर I had my special child after a lot of years. तो उसके बाद तो मैं घर पर और फिर घर से कमाने का सिलसिला शुरू हो गया तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि उन्होंने सर्टिफिकेट पहले लिए और सीखा बाद में मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने एक्सपीरियंस से सीखा और अब जबकि मैं बाद में सर्टिफिकेट
और अब जबकि मैं घर पे बैठ के कमाती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अगर मुझे कोई कहता है कि हम नहीं कमा सकते, हम मजबूर हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और बस ये मेरा पेन पॉइंट है जिसको मैं अपना प्रेशर पॉइंट करता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो जॉब करता हो ना जॉब करता हो, चाहे वो एक ट्रेनर ही क्यों ना हो, तो वो बिजनेस जरूर करे। तो मेरे लिहाज से खुद कफील होना, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊँ, अगर हम अपने आप पर और अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात वो है। आज ही कसस-ए अंबिया में पढ़ा कि नूह अलैहिस्सलाम की जो किस्ती थी वो 300 फिट लंबी थी और उसकी 3 स्टोरीज थी जिसके ऊपर भी छत थी। और अब आप ये दारुस्सलाम से मैंने कसस-ए अंबिया ली थी, किसी को अगर ऑथेंटिसिटी का मसला हो तो जनाब आप ये बताएं कि जिस अल्लाह ने इतना गाइड किया था अपने नबी को और उस टेक्नोलॉजी में कोई टेक्नोलॉजी नहीं, और वो करंट जिसकी नीचे वाली जो बेस थी उसमें सारे जानवर थे, सेकंड फ्लोर पे जो है इंसान थे और थर्ड फ्लोर पे परिंदे थे, तो जो अल्लाह हमसे इतना सब कुछ करवाने के लिए हमें बचा के रखा था, हम चाहते तो हम नूह अलैहिस्सलाम से पहले ही ज़मीन से वाइप आउट हो जाते, लेकिन हम अभी भी मौजूद हैं, हमारी हलकत है। तो सिर्फ ये तो नहीं है कि हम सुबह उठें 8 बजे नौकरी करके आएँ और रोटियाँ काट कर घरवालों को दें अगर हम फीमेल हैं तो, और अगर मेल हैं तो आके बच्चों को कुछ अमूमन को बात काटते हैं या प्यार करते हैं तो वहाँ कुछ बात करते हैं, तो इस तरह करके ये तो हमारी सिर्फ जिंदगी नहीं रहती है ना। सो आई थिंक इट्स टाइम टू फ्लरिश एंड ग्रो, और ग्रोथ उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब आप सिर्फ जॉब ना करें। आई अंडरस्टैंड उसमें लोग काफ़ी कहते हैं कि यार जॉब नहीं करेंगे तो अपने एंड कैसे मीट करेंगे, तो यस फाइन, जब तक आप जॉब करो तब तक। अभी मैंने आज़ाद चाय वाले की ग्रोथ देखी, दोस्त ऑफ यू डोंट फॉलो फॉलो है, आज़ाद चाय वाला ने कहा कि हम IMF के इतने बाउंड हैं, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट हेल्प पैलेस्टाइन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट हेल्प कश्मीर, वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट ईच वन ऑफ अस, ताकि हम ये शटल्स तोड़े IMF के लोन्स के, हम खुद से प्रोडक्शन करें, हम खुद से बिजनेस करें, हम खुद से अर्न करें। मैं इसको जॉब दूँ, इसको जॉब दूँ, इसको जॉब दूँ, वो मुझे जॉब देंगे, मतलब हम जॉब क्रिएटर बने rather than doing job। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूँगा जिनसे गालिबन मेरी एक ही मुलाकात नहीं है, और क्लिफ्टन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और वो वहाँ पर एज अ गेस्ट आए थे, और जब मैंने उन्हें देखा तो बहुत ज़्यादा मुझे एक डबल एनर्जी मिली। मींस ये है कि इतने माशाल्लाह मजबूत इरादे और इतने पुख्ता अल्हम्दुलिल्लाह इरादे रखने वाले इंसान जो कि आज के इस दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को एक मुकम्मल इंसान की तरह मुआशरे में पेश करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं खसूसी स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इस शख्स के लिए जितनी क्लैपिंग हो सके वो करें, क्योंकि वो शख्स जब आप आएँगे तो आपका उठने का भी दिल करेगा, और क्योंकि उनकी खिदमात बहुत है। मैं बुलाना चाहूँगा सर मोहम्मद सरफराज मुनीर साहब को, आपकी भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए।
स्टोरी सुनाता हूँ, उससे काफ़ी हेल्प करते हैं सर। ये कहानी है एक मुजस्मा सास की, जो मुजस्मे बनाया करता था और बड़ा खुश रहा करता था। उसकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी कि अल्लाह ने उसको एक बेटे से लगा। वो बेटा बड़ा होता है, वक्त के साथ बाप उसको काम सिखाता है, वो काम सीखता जाता है, काम में एक व्यक्ता नमूना बनता जाता है। वो जवान हो, उस पर पैसों की बारिश हुई, वह जिस चीज़ को हाथ लगाता वो सोने में बदल जाती है, जो मूर्ति बनाता वो सच में जाता। उसकी इनकम बढ़ी, उसकी चीज़ें बढ़ी, वो सोने से रहने लगा, जिंदगी आगे चलती गई। लेकिन कोई काम किया करता, वो जब भी किसी की मूर्त बनाता था तो बाप के पास जाता था और कहता था कि ये मूर्त है, बताओ इसमें क्या है। बाप कहता था इसकी आँख यहाँ से सही कर दो, इसका कान यहाँ से सही कर दो, इसका शोल्डर यहाँ से सही कर दो, इसमें यूँ जरा सा कम दे दो, ये मजीद लिखा जाएगी, ये मजीद खूबसूरत हो जाएगी। वक्त का धारा बहता रहा, उसके दिल में ख्याल आया कि दुनिया तो पैसे पर सारी और बाप मुझे ये बता रहे हैं ना सीख सकते ना सीख सकते हो, इसको मेरे काम में काफ़ी काम से नजर आया। ये ख्याल उसके दिल में आया और उसके दिमाग तक पहुँचा और वो मुआवजे में एक बॉबल बना और एक दिन को फिट गया। जब वो बाप के पास मूर्त लेके गया और मूर्त दिखाई तो बाप ने कहा कि इस मूर्त का कान थोड़ा सा सही कर, उसने कहा आप कमाल कर, दुनिया बारिश करती है, दुनिया को पसंद आता है, आप कहते हैं कि इसमें खराबी, मैं अब नहीं दिखाऊंगा। वो लौट गया, उसे दिखाना छोड़ दिया। वक्त का पहिया रिवर्स में घूमा, आमदनी कम हुई, खाने के लाले पड़ गए। उसने अपने दिमाग में सोचा कि ये मेरे साथ हुआ क्या, तो उसको याद आया कि अब वो बाप के पास नहीं था। वो गया बाप के पास, तो कहने लगा कि तुमने क्या किया, तेरा बेटा कि तूने मेरे साथ क्या किया, मेरी आमदनी खत्म हो गई, मुझे खाने के लाले पड़ गए। बाप मुस्कुराया और कहने लगा कि अब तो तुम नहीं आते, अब तो तुम मूर्त नहीं दिखाते, अब तो तुम यक्ता हो, अब तो तुम्हारे हाथ में हुनर है, अब क्या हुआ। तो वो लोग बाप मुस्कुराया और उसने कहा कि तुम्हारी मौत उसी दिन हो गई जिस दिन सीखना पड़ा। जिंदगी वक्त के साथ गुजर रही है और हमें नई नई चीज़ें रोज सिखाती हैं। डिपेंड इस पर करता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो लर्निंग्स अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, संभाल के ना रखें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी जो है, इंसान बिल्कुल हम जितने भी बड़े हो जाए, हालांकि हम टीचर हैं लेकिन फिर भी टीचर स्टूडेंट रहता है और मरते दम तक जो है वो सीखने सिखाने का जो अमल है वो जारी और सारी रहता है। इसके बाद हमारे पास एक और मोहतरमा मौजूद हैं यहाँ इस तकरीब में, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। उनका नाम है राहिला वकार, कि वो आए और अपने बारे में थोड़ी सी जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन और एक मैसेज है मेरे से आपकी भरपूर प्यार में। इंट्रोडक्शन जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं लग रहा है कि बचपन से एजुकेशन में ही हूँ। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 30 इयर्स, अ लिटिल मोर देन 30 इयर्स। मैंने 1990 में पढ़ाना शुरू किया था, आई वॉज अ टीचर एट दैट टाइम ऑफ क्लास टू, क्लास वन से भी शुरू किया था, वन से पढ़ाना शुरू किया और इस वक्त मैं कॉलेज में भी पढ़ा रही हूँ, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुकी हूँ और टीचर्स को ट्रेन भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एक छोटी सी मेरी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे डिफरेंट इंजीनियर्स को बुलाया गया और
हर कोई आता था, देखता था, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि इस चिप को क्या मसला है। फाइनली एक ओल्ड इंजीनियर को बुलाया गया और वो आए और उन्होंने उसका मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद उन्होंने हैमर ली और कुछ बार कुछ एक पार्ट को उन्होंने टैप किया, और कुछ टैप करने के बाद वो ठीक हो गई मशीन और वो शिप ठीक हो गया। जब वो ये काम करके चले गए तो कंपनी वालों ने सोचा कि इनको पेमेंट की जाए, लेकिन उनको लगा कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आए और एक कुर्ते को उन्होंने टैप किया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बिल मांगा तो उन्होंने अच्छा खासा बिल डिमांड कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब इसका क्या हल होगा, क्योंकि उन्होंने तो किया तो कुछ भी नहीं, हमारे सामने एक जगह पर टैप किया और उसके पैसे मांग रहे इतने ज़्यादा। तो उन्होंने कहा अच्छा आइटमाइज बिल भेजिए। तो उन्होंने जो है आइटमाइज बिल इस तरह से भेजा कि उन्होंने पहले लिखा कि फॉर टैपिंग मिसाल के तौर पे 10 रुपये और 90 रुपये फॉर नोइंग वे टू टैप, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द टीचर्स कीप ट्राइंग ऑल देयर लाइफ्स टू डू, कि बच्चों को या उन पार्टिसिपेंट्स को, टीचर्स को जितने वो ट्रेन कर रहे हैं वो इतना एक्सपर्ट बना दें कि दे नो वे टू टैप। और सर की जो अभी वाक्य उन्होंने सुनाया था मुजस्मा सास का, तो उससे भी मुझे एक वाक्य याद आ गया कि मैं उसी वाक्य को कंटिन्यू करती हूँ कि वालिद ने एक दिन बहुत खूबसूरत मुजस्मा बनाया जो कि शेर का मुजस्मा था, और बच्चे ने देखा तो बिल्कुल ऑफ स्ट्रक हो गया और उसने देखने के बाद कहा कि वाह बाबू आपने कितना खूबसूरत शेर बनाया। तो वालिद ने कहा कि बेटा मैंने नहीं बनाया, शेर तो इसमें था, मैंने इसको अनकवर किया। तो दैट इज़ वॉट टीचर्स शुड बी डूइंग, डिस्कवरिंग द टैलेंट द रियलिटी ऑफ द चाइल्ड, और उसको हम किसी तरह इस तरह से परवान चढ़ाएं कि वो अनकवर हो जाए, उसकी वो खसूसियात जो अल्लाह ताला ने उसको दे कर दी जाए। थैंक यू सो मच। एहतराम हमारी मुअस्सिस सलमान नज़ीर साहिबा को मैं बुलाना चाहूँगा आपकी भरपूर दादियों में कि वो यहाँ है और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात में से बेहतरीन हमें कुछ ऐसा सबक दे कि आज हम उड़ सकें, कुछ सीख सकें, इस कौम की तकदीर बदलने में कुछ किरदार अदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नाम तो तुमने मेरा बता दिया, सलमान नज़ीर है। इसके अलावा डिफरेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ मैं वाबस्ता हूँ, और बेसिकली आई एम नॉट टीचर ट्रेनर, आई एम टीचर एजुकेटर। बीएड एमएड के टीचर्स को पढ़ाते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। रहना किसे यार, शी इज माय स्टूडेंट, और ये मेरे लिए भी बड़े फखर की बात है। बल्कि आई वांट टू से थैंक्स टू शाहिद के आई एम शेयरिंग द सेम प्लेटफॉर्म एज माय स्टूडेंट इज, और मैं चाहूंगी कि जरा एक तो हमें सजदराज करना, सब जरा देखें। मैंने जो आपको पढ़ाया उसी को ले जाकर, एंड बिलीव कि
सबसे ज्यादा लोग उसके सेशन में मौजूद थे, जो मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम था। आज भी उर्दू यूनिवर्सिटी में एक थोड़ा सा कंपेटिटिव चेंज है कि जैसे हम यहाँ हमदर्द में पढ़ाती थी, दादा भाई में पढ़ाती, तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो हमारी कराची के होते हैं, लेकिन उर्दू यूनिवर्सिटी में बड़ी डाइवर्सिटी है। वो केपी के से गिलगित बल्तिस्तान से वो स्टूडेंट जिनको ना उर्दू समझ में आती और इंग्लिश भी समझ में नहीं आती, और उनको पढ़ाना देखो रियली अ चैलेंज। और वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे ये भी समझाने की कोशिश की कि मैं अगर बहुत मेहनत करूँगी तो आई विल जस्ट वेस्ट माई एनर्जी, क्योंकि एक स्टूडेंट्स को इतना समझाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुछ भी सिखाया है तो वो इसीलिए सिखाया है कि इसको आगे जाना चाहिए, ये मुझ तक नहीं रहना चाहिए। तो ये भी मैं इसको समझती थी कि ये भी मेरी तरफ से एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीका है कि मैं उसकी दी हुई जो सलाहियत मुझे है वो मैं उसके बंदों में आगे पहुँचा दूँ और वो आगे लेकर जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। आता है वहाँ किया जाता है, तो हमारे लिए थोड़ी सी होनी चाहिए। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अपनी एक और मोहतरमा, हमारी एक और बहन यहाँ पर मौजूद है, सनाली साहिबा को भी यहाँ आए और अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसके साथ साथ एक छोटा सा मैसेज, बट विद इन टाइम प्लीज, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम एंड वी हैव टू वाइंड अप आवर सेशन। प्लीज प्लीज प्लीज। For organizing such an event जहाँ पे मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ जिनको एक मैं देखती आ रही हूँ बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे, सो आई एम सो ग्लैड। और इस तरह का प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिविजुअली हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वी कीप ऑन कंटिन्यूसली सिखाना सीखने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी कम होनी चाहिए। सो इंट्रोडक्शन मेरा ये है, आई एम जस्ट अ सिंपल टीचर एंड टीचर्स ट्रेनर। मेरा मेन है अर्ली चाइल्डहुड केयर जहाँ पे छोटे बच्चों से डील करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कहने के लिए, लेकिन व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज के हम सारी ट्रेनर्स इवन द टीचर्स हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते जा रहे हैं बच्चों की। हम सोचते जा रहे हैं कि किस पे काम करना है, इस चीज़ पे काम करना है, बट कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग दिस कि एक चीज़ जो है वो मिस होती जा रही है, कि जो हमारी जनरेशन है वो चाहती क्या है, राइट? जनरेशन चाहती क्या है? बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ नीज एंड नेफ्यूज एंड अ लॉट ऑफ यंग कजिन्स। तो हमारी जो ट्रेनिंग है, अब जो हमारी बड़ी बड़ी बातें हैं उस पर बच्चों को इंटरेस्ट होता नहीं है नॉर्मली। सो हियर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द ट्रेनर्स कि वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट देम, क्या उनकी चाबी अलग तरीके से धरी जानी है और उसके बारे में हमें सोचना है, बिकॉज इट इज़ अ रियली वेरी हाई टाइम। बिकॉज आई हैव बीन विद दिस एज ऑफ स्टूडेंट्स और मैंने ट्रेनिंग में आने का सोचा कि इस वजह से जब मैंने टॉडलर्स के साथ प्री स्कूलर्स के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ से मुझे इम्पैक्ट पता चला कि कितना ज़्यादा वो मुझे अब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो हमसे इम्पैक्ट ले रहे हैं। और इवन जब हमारे घर के भी बच्चे होते हैं, सो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आए और उन्होंने बात की ना सेकेंड डे कि वो चीज़ें बच्चियाँ थ्रो करती हैं आगे, शट अप, सिट डाउन, व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज़ माय टीचर डज सो। सो दिस इज द थिंग, हम बहुत सारी मेरे पास टीचर्स आती हैं जिनके आप इंटरव्यूज लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ अगेन, क्योंकि हमारे पास यंग जनरेशन आ रही है एज टीचर्स, तो वो ये बोलती है क्योंकि मुझे टीचिंग का शौक है, या फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि अभी मेरे बी एस और एम एस की क्लासेज स्टार्ट होने में टाइम है, इसलिए मैं टीचिंग करना चाहती हूँ। सो आई एम वर्किंग टू चेंज दिस मेंटालिटी एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज वर्क ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि हमें काम करना है उनकी सोल के ऊपर, उनकी जो पॉजिटिविटी है शुड बी इनसाइड आउट। ऐसे नहीं कि हम यहाँ भरे जा रहे हैं उनकी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, पेशेंस भी चाहिए प्रोफेशन के साथ साथ, जिस प्रोफेशन में आप हैं अगर उसमें उस प्रोफेशन में आप सिंसियर नहीं है और पेशन नहीं है, सो देन बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है सर जी। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन, आई डोंट नो हाउ डू आई स्पीक अप टू यू, सच कमांड एंड मास्टर ऑफ द सेरेमनी मिस्टर, आई डोंट नो योर नेम, आई एम सॉरी। I would like to say thank you very much, Sir Kashyap, Sir Knowledge Skills Development Center. Sir Shahid Qureshi Sahab, I want to thank you for
all of you guys are very experienced, well-known, trained professionals here. And my life is totally different than yours. I started out as an athlete. Father died. Had to make money. Started playing music. Played music for 10 years. Went to the United States in Umar Sharif show. Worked there, became wannabe. Quit music. Stopped taking pictures. Started watching religious material. Started researching about religion Islam. Came back to the reality that music itself is not around. It's the content, basically, you have to watch. Anyway, I'll tell you the journey about mine in Pakistan when I came back in 2004. I came in from there in 2004 and was thinking what I'm going to do. I was not able to focus. Had some family issues. It was kind of stopping me, kept me to go where I was supposed to do. So I was like, those are the things that one day, I got a call from the bank, your check bounced. So that day I decided that I think I'm going to have to start trusting myself and others. So I knew a person, I would like to say thank you to a few people who are basically behind me to make me an educationist now. A lot of you guys don't know me, but I'm sure every owner of the school know me. Because I have been working for a school called White House Grammar School. And all the new campuses, the White House you see nowadays, they were established by me, alhamdulillah, a big, huge campuses. Before White House, I went to Metropolitan, a main campus behind the Al-Sayyid, Mr. Faisal Rizwan. I'm not shy or embarrassed to say I was born and raised in Nalukhet. People normally don't tell their background. I was a Nalukhet, you can say. Anyway, I learned through so many people. So Mr. Faisal Islam was also born in Nalukhet. I went to see him and he offered me a job to establish curriculum activities. I started there as a sectional head and I refused for the first time. When I was told this is your destination, I said, no, not me. I'm not going to the books. He said, you can do it. Anyway, this was my first job. After 3 years working there as a sectional head, I joined White House Grammar School. And then in White House, my basically background is sales management from the United States. So White House cashed me there. They saw that I can do that. So they started expanding. After that, I have opened so many campuses. I would like to say thank you very much to Mr. Faisal Rizwan. Sir Ali Yazdani, the director of White House Grammar School, Ma'am Fatima Yazdani, director of White House Grammar School, and ye to malikan the school ke. Main aapko apni kahani suna raha hu, koi aur ke saath sunaunga, main aap bhai lagi in a minute. Ma'am Mr. Yazdani, founder of White House Grammar School, told me that I'm going to hand you over to a most competent head of White House Grammar School to train you. So I was handed over to a person called Ma'am Maruf Nawab. She saw me and she said, "Tum bahut long phira karke baat karte ho, sab ye nahi chalega." I said, "I don't really do that, and I'll try not to go with you." So, ma'am refused to accept me as the head of the school, and she asked me, "Kya bhangke dekho bhangke kharaab karte hain? Dekho wahan pe shor kyun macha hua hai? Idhar kyun leke chala pada hua hai?" And I said, "What is going on here? I'm supposed to be the head of the school." She asked me, "Pankhe saaf karwa do, domestic ko dekho, class mein teacher kyun nahi tum? Kya kar rahe ho?" Then I complained to Mr. Ali Yazdani about this, and I was transferred. And this is how I started the first campus. I started was in the campus, White House Grammar School, then Orangi Town, then Gorangi, then so many now. Anyway, तो मैं हम मालक नवाब की जो बात थी वो आज मैं जाके समझाऊं कि वो क्या कह रही थी. She was trying to train me from the bottom because it was a new field for me and I was taking it negative. So today, people जो बहुत सारे लोग हैं मेरे फेसबुक के थ्रू भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि anything whatever I achieve, I dedicate to मैं मालक नवाब. उस औरत को जिसने मुझे बकायदा रुला दिया
Literally, I was about to cry one day, that what is going on? Why is she always making me go after the domestic Islam and the teachers and the students? आज मैं आपकी तमाम जो दुनिया की कामयाबियाँ अल्लाह ताला मुझको देते हैं उसी को डेडिकेट करता हूँ और उसको मैं अपने कराची के लोगों को मेरी वजह से मैं उनकी जगह आपका मारूफ नवाब कहते हैं क्योंकि दसों साल बाद आपका मारूफ नवाब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा एज बिकॉज आई एम अ पर्सन हु नो कैन ट्रेन पीपल ऑन स्पीकिंग इंग्लिश मेबी आई एम डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबॉडी हियर एक सजेशन है सिर्फ अपने अमेरिका के बैकग्राउंड की वजह से प्रॉब्लम्स हमारे पास है वॉवल्स का भी यहाँ पे भी और बहुत सारी जगह पे लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं लेकिन मैं अपने के सवाल देता हूँ एक अमेरिका में गया फर्स्ट टाइम आई आस्क अ वेरी ड्रेस आई इफ यू कैन वॉच माय फेस कैन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग आई आस्क हर आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर शी सेड परमिट What? I want a glass of water. Excuse me? I want a glass of water. Excuse me. Most embarrassing time of my life. She went and got my paper and answered, she said, can you please write it down? I was so angry. Because I was saying in English and why she doesn't understand us. Abhi ek naya kaam shuru kiya hai, spoken English ke naam se, where I have, this is so depressing, lekin maine give up nahi kiya. कि लोग उसकी अहमियत को समझ नहीं रहे मैंने मैं दो वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कॉन्सनेंट एंड वॉवल सिखा रहा और पीपल आर आस्किंग मी सर ये क्या सिखा रहे हैं यार आपने रोजाना की बातचीत सिखाया ना रोजाना की 100 बातें करते 99 का जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत है भाई क्या करो पहले फेस तो सही मुझे अपना वाक्य याद है शी सेड यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर सो दैट्स वाटर एंड वाटर और सेशन और सेशन और और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारी एक और मोहतरमा बड़ा यूनिक नाम है मेरी जिंदगी में पहली बार सुना है और अल्लाह ने अगर रहमत दी तो मैं ये नाम जरूर रखूंगा आशियान उरूज अगर यहाँ पर मौजूद है तो वो यहाँ आ जाए अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसके साथ साथ एक मैसेज That is my introduction. Today, we are sitting in Dr. Isa Laboratory, and most of the people are not wearing masks. It's okay. It doesn't matter. Open here, I would like to share little things which life experienced. Because every person is struggling to reach here. The struggle is not known as you know that. And you are doing it. So, if we say that we have achieved something, oh, these are the chunks of life actually. But the big achieving is to please Allah and to please Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And if you offer 5 times prayer, it does not mean you are a true Muslim. Yes, it's actually a duty that you have to perform in front of Allah. But to mentor students, if you are a teacher, to mentor trainees, if you are a trainer, actually is the biggest responsibility. Why do I think like that? Because when I was small, I was studying in school. And many of our people here, there are some students, some facilitators, some teachers, mostly education backgrounds. I was too shy. I was not able to come on the stage and face the people. I was the student who was shy to ask questions from my teacher. I was the student who used to think 1,000 times before asking a question, even from a teacher who was in my class. So those are not even remember happening. और अगर मुझे सही even मेरा answer ठीक होता था उसके बावजूद मुझे 10 बार सोचना पड़ता था मैं ये पूछूं या नहीं. Because we had fearful environment in the schools. Because we had discipline with the stress, not without the stress. So teachers responsible and because we did not have mentors at that time, school mein bachchon ke liye sabse bada mentor uska teacher hona chahiye. This is what we are working on it and I want the people to work on it. Life mein bahut saalon baad jab main 30 cross kar gayi to mujhe koi mentor mila after my parents literally. Phir mujhe andaaza hua ki life ke andar mentor hone ki kitni zyada zarurat hai और मेंटी बनने के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
उसके बाद फिर मुझे और मेंटर्स मिलते गए। माय हस्बैंड इज आल्सो माय मेंटर अलहम्दुलिल्लाह। मैं तो सलमान को से वेरी वेल बिकॉज़ वी बोथ हैव वर्क इन बीकन हाउस ग्रुप्स एज ट्रेनर इन डिफरेंट सिटीज ऑफ सेन। सो दिस इज जस्ट आई वांट टू से आई विल नॉट टेक माय टाइम एंड थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ कुछ आपके अल्फाज ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। सर जी आए, सर क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर जावेद सशा एज वेल। बातें बहुत हो गई, मैंने जैसे नारायण के स्टूडेंट के लिए सारी बातें एक टाइम माइंड में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सजेशन है, सजेशन रखना चाहूंगा यहाँ पर, अगर पास करते हैं तो डेफिनेटली सबको फायदा होगा, नहीं तो इसी तरीके से हम साल बाद या छह महीने बाद इकट्ठे होते रहेंगे। और रिक्वेस्ट करूंगा सर शायद से या सर नसीम से कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जहाँ पर तमाम ट्रेनर्स का कॉन्टेक्ट हो और जो जिनकी एक्सपर्टीज है वो शेयर करें। मैं ज्यादा लाउड तो नहीं बोल रहा। यस, तो जहाँ पर हम अपने एक्सपर्टीज को, जितने भी एक्सपर्टीज है जो आपका टॉपिक है वो आप शेयर करें, जिनको भी जो जरूरत है, जो नीड है, जिनके इंस्टीट्यूट में आप सबके इंस्टीट्यूट होंगे डेफिनेटली, वहाँ पर आपको इनवाइट किया जाए और डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके से हम लोगों को गाइड करें और एजुकेट करें। व्हाट डू यू थिंक, बेहतर है? बस हाँ, इंशाल्लाह यही करेंगे। इससे पहले सर नसीम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज करवाते थे, टीचर्स ट्रेनर, नहीं तो ना टीचर किसी को याद थे ना ट्रेनर किसी को याद थे। ये माशाल्लाह और इनको बुलाए, 100-200 टीचर्स को इकट्ठा करते थे। जहाँ पर हम कुएं के मेंढक थे वहाँ से बाहर आ गए, आज यहाँ तक पहुँच गए बलिया टाउन। इसके बाद सब शायद ने शुरू किया, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब अपना हिस्सा डालें इसमें। ये जो नसीहत वाली बातें बहुत होती है, मेरे ख्याल में बहुत सारा इनएफिशिएंट हूँ, ज़्यादा बातें नहीं रुक पाऊंगा। यहाँ से मैं ले लूँगा, जैसे मैं आऊँगा फिर मैं सीख जाऊँगा आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पर सर ने बाकी के एक दूसरे के इदारे में जाना चाहे तो यहाँ तमाम लोगों को, चाहे वो लंच पे आना चाहे, डिनर पे आना चाहे, हाई टी के आना चाहे, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। आप आए वहाँ भी डिस्कस करते हैं, प्लान करते हैं और आगे बढ़ते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। ईजी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर मैक्सवेल में मौजूद है, आप किसी से भी पूछेंगे। इंशाल्लाह 6 तारीख को इवेंट है हमारा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची में इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारे उस्ताद मौजूद हैं जो हमें साथ साथ लेके चल रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर, इस काबिल हैं कि आपने इतनी मेहनत की है कि कुछ बोल सकें। इसके बाद हमारे एक और यंग ट्रेनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्दिया में अपना एक सेंटर है जो है वो रन करते हैं, आई थिंक स्टेफोर्ड। तो मैं जाकिर खान को बुलाना चाहूँगा कि प्लीज़ कम और अपना इंट्रोडक्शन और कुछ जो है। माय नेम इज़ ज़ाकिर खान। इससे पहले, सबसे पहले तो मैं सर शाहिद और उसके बाद सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मरतबा फिर हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बेसिकली मेरा कोई खास ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं है, मुझे देखकर लोग कहते हैं कि ये टीचर है भी क्या नहीं, लेकिन जहाँ पर हम जितने भी जितना हो सकता है उनकी मदद करते हैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक। दूसरा ये है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स के मेंटालिटी को प्रमोट करें, स्टूडेंट्स को आगे ले करें। देखिए लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो हमने एक मैसेज, इनफैक्ट मैंने एक मैसेज रखा था। वैसे तो मैं इस काबिल नहीं कि जितने टीचर्स बैठे हैं उनके सामने अपनी कोई बात ऐसे रख सकूं, लेकिन फिर भी जो कुछ सीखा जाता है यहाँ से मैं सीख कर जाता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ और वापस आता हूँ, कुछ नया सीखता हूँ, फिर जाकर इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेकिन लास्ट टाइम जो मैसेज मैंने कन्वे किया उसके बाद फिर कुछ फीडबैक्स मुझे मिले, ये नहीं कि यहाँ से, क्योंकि एक दो जगह और भी मैसेजेस वगैरह मुझे अपने कन्वे करने पड़े, आती है अपने मैसेजेस कन्वे करने पड़े मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। लेकिन आज एक छोटी सी जो चीज़ जो सर नाशिद जो मेरे साथ ही होते हैं, इन्होंने एक जो चीज़ बड़ी बेहतरीन चीज़ यहाँ पर मैंशन की है कि व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए।
देखिए हम जैसों के लिए कोई लर्निंग प्योर अब मैं अपनी बात करूँ मैं आज जैसे लर्नर मैं सीखने को मुझे बहुत कुछ सीखने वाला है यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है तो इंशाल्लाह प्योर विल बी देयर और जितनी चीज़ें होंगी हम खुद भी रखेंगे आप लोगों के सामने भी और आप लोग इंशाल्लाह आई टू डेफिनेटली आई विल बी लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू वंस अगेन थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच वाइस और थैंक यू सो मच नाउ हमारे दो दोस्त जो हैं वो हमें जल्दी छोड़ना जो है वो दिल तो इनका नहीं चाह रहा गालिबन अच्छा चलो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए एक शेर है बुरा नहीं मानना मेरे उस्ताद का एक शेर है माजरत अगर किसी को बुरा लगे एडवांस है कि वो अश्क बन कर मेरे चश्मे तर में रहता है अजीब वगैरह शब्द से पराए घर में रहता है ये मेरे उस्ताद का शेर है अच्छा इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मोहतरम सर अहमद नकवी साहब को कि वो यहाँ आए और अपने हाथों से जो है वो हमारे काबिल एहतराम और मोहतरम ट्रेनर्स मेंटर्स को जो है वो शील्ड दें अशोक कुमार सर और इसके साथ साथ दूसरा नाम सर जज्बे बुलंद होने चाहिए हमें यहाँ पर कई जो है वो उसके बाद इंट्रोडक्शन शॉर्ट का मतलब गालिबन शॉर्ट होता है और क्योंकि टाइम हमारे काजी असदुल्ला है और हैदराबाद से कराची 155 किलोमीटर का रास्ता है कॉलेज में इजाफा करने के लिए सर और इंट्रोडक्शन ये है कि साइमन साइमन का एक फॉर्मूला है फाइंड योर वाई उसी पे काम कर रहा हूँ खुद को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी वजह से 1.5-2 सालों से सिर्फ घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे नेचर से मेरा वाई पता चलता है और मुझे पता चलता है कि मैं क्या हूँ प्रोफेशनली जिम ट्रेनर हूँ और एक जिम ओन करता हूँ हैदराबाद में और यहाँ सर शायद के जो है इन्विटेशन के बाद आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी क्योंकि एक रिवायत चल रही है तो छोटी सी स्टोरी सर सर तो क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था तो एक स्टोरी है जो मैं हमेशा सुनाता हूँ पॉजिटिव टाइमिंग के लिए एक जगह का जिक्र है कि एक बादशाह था और उसका एक वजीर था तो वजीर हमेशा कहा करता था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ बेहतर हुआ तो एक बार बादशाह और वजीर शिकार पे गए जहाँ पे बादशाह की उंगली कट गई तो वजीर ने बोला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ तो बादशाह सलामत ने कहा कि मेरा वजीर होंगे और मेरी उंगली कट गई और कह रहा है कि अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसको बंद कर दो जेल तो उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया दोबारा जब बादशाह सलामत गए शिकार में तो उनको जंगलियों ने पकड़ लिया और कहा कि भाई हम इनकी बलि देंगे हम इनको जो है शैतान के हवाले करेंगे तो जब वो उनकी बलि देने लगे तो उनके सारे साथियों को मार दिया बादशाह सलामत को छोड़ दिया अब बादशाह सलामत फिक्र में थी कि मुझे क्यों छोड़ा जब सबको मार दिया और उनको दिमाग में वजीर की बात घूम रही थी कि वो क्यों हर चीज़ में इतना पॉजिटिव है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ तो सिपाहियों को बादशाह ने कहा कि भाई वजीर को लेके आओ मुझे उससे बात करनी है तो वजीर को बुलाया गया बादशाह सलामत ने पूछा भाई जब तुम्हें मैंने कैद करवाया उस टाइम भी तुमने कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ तो ये क्या सिलसिला है मुझे समझाओ तो वजीर ने कहा कि जब आपकी उंगली कटी तब आपको दर्द हो रहा था और आप मेरी बात समझ नहीं पाए लेकिन क्योंकि आप में नुक्स था आपकी उंगली कटी हुई थी और शैतान को जो बलि देते वो पूरे प्रॉपर इंसान की देते तो उसकी वजह से उन्होंने आपको नहीं मारा तो ये एक किस्म के आपके लिए अच्छा हुआ और जब आपने मुझे कैद करवाया मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ तो मेरे लिए बेहतर हुआ क्योंकि अगर आप मुझे कैद नहीं करवाते मैं आपके साथ होता आप तो बच जाते मैं मरा हुआ होता तो मैसेज यही था छोटा कि हर चीज़ में पॉजिटिव रहे खुद को ढूंढने की कोशिश करें और अपना मकसद जानने की कोशिश करें पॉजिटिव रहें क्योंकि कहते हैं कि एक आपका प्लान है एक ऊपर वाले का प्लान है और होता वही है जो ऊपर वाले का प्लान है उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आज एक बार फिर ट्रेनर्स एंड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस सीजन 3 में आपसे मिल रहा हूँ और भाई मजे की बात तो ये है कि जब भी मैं आपसे मिलता हूँ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है फिलहाल ये तो अच्छी बात है कि मेरे आने से लोग
पूछी, लोगों से मिलना मिलाना कम कर दिया, रिश्तेदारों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी और यूं मेरी ख्वाहिशात भी कम हो गई और मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया। और भाई आपको एक बात बताऊं कि ये हैप्पी लाइफ का टॉपिक मेरी अम्मा ने सजेस्ट किया था। मैंने पूछा अम्मा मुझ बच्चे ने तो 8-9 साल की उम्र में हैप्पी लाइफ को कुछ तो पूरा नहीं किया है, मगर मैं फिर उन लोगों को इसके बारे में कैसे बता पाऊंगा। अम्मा ने कहा बेटा आप सिर्फ इतना बताइएगा कि आप अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं, लोग खुद ही उसको समझ जाएंगे। तो भाई आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में सिर्फ सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी हॉबी के बारे में बताऊंगा। क्या है मेरी हॉबी, सोचे क्या हो सकती है मेरी हॉबी? रीडिंग बुक्स पढ़ना, टिकटॉक पे वीडियो बनाना या फिर वीडियो गेम्स खेलना, नहीं मेरी हॉबी है ओरिगेमी वॉलेट्स बनाना। लेकिन मुझे मॉल में रखी महंगी वाली और थोड़ी सी मेटल की शर्ट ऐसी रेट नहीं करती, बल्कि मुझे वो शर्ट अच्छी लगती है जो कि आपने रवि रावल के महीने में बाहर खेलों में लोगों को लिए हुए देखा ही होगा, लकड़ी की होती है और साथ साथ चमकीली पट्टी से बनी हुई होती है। तो इसलिए वो शॉर्ट मुझे वैसे रेट करती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब किसी बिल्ली की बच्चे की जो है वो टांग पे चोट लग जाए, तबियत खराब हो, मैं उसकी मरम्मती करूँ, उसकी तबियत ठीक करूँ और उसको दूध पिलाऊँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे फ्रेंड और कजन मेरी किसी चीज़ को देखें और उनको वो चीज़ अच्छी लगे तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनसे अपनी उस चीज़ को शेयर करूँ। और मुझे साथ साथ ये बुरा भी लगता है कि मेरी वजह से किसी और को चोट पहुँचे। अच्छा हमारे साथ प्रॉब्लम पता ही क्या है कि हम दूसरों की जिंदगी जीते हैं। दूसरों की जिंदगी से मुराद ये कि दूसरे चाहते हैं हम हार्ड सूट पहनकर टाई लगाकर मजे से बाहर करें और अच्छे से शूज पहन के फिरें, तो हम अच्छे से शूज पहन के मिलते हैं। अगर स्कॉलरशिप लेनी हो तो वो स्कॉलरशिप लेकर हो, बैंक को पसंद हो, नौकरी करनी हो तो वो नौकरी करेंगे जो बीवी बच्चों को पसंद हो, और अगर रिश्तेदारों से मिलना होगा इस तरह मिलेंगे कि रिश्तेदारों को पसंद आए। अच्छा जैसे कि आप आज ऑफिस से आए, आपका प्लान है कि भाई मैं होटल में जाऊंगा, मगर साथ साथ आपने ये भी सोचा है कि यार मैं रेस्ट करूंगा, फिर जाऊंगा मजे से बाहर जाकर बैठूंगा, भाग नहीं से करके बैठूंगा, लेग्स फोल्ड करके चेयर पर बैठ जाऊंगा और स्टिफ नहीं बैठूंगा, आराम से बैठूंगा। मगर क्या करें, हमें तो अपनी इज्जत का अपने ख्याल रखना होता है और दूसरों के सामने स्टिफ होकर बैठना होता है। तो मैं बताया था कि आराम से बैठूंगा, मैं 5-star होटल में जाऊंगा, सूट पहनकर स्टिफ होकर बैठूंगा और ये चेक करूंगा कि मेरे चमचे में ज्यादा खाना तो नहीं आ गया, यानी चावल या फिर जो भी आपका खाना हो, या फिर मेरा मुंह ज्यादा तो नहीं भूल गया, या फिर मैंने सालन के लिए रोटी का निवाला बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा तो नहीं ले लिया। अच्छा आपने हॉवर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, हॉवर्ड ने 75 years रिसर्च की है, वो भी खुशी पर। हॉवर्ड ने जब लोगों को लिया जो कि 15-18 साल के बीच के लोग थे और वो हमेशा खुश रहते थे, और उसने 75 years उस पर रिसर्च की, किसी पर 20, किसी पर 70, किसी पर 50, किसी पर 60, और पता ये चला कि वो खुश इसलिए थे क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स अच्छे थे। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो आप खुश होंगे। अच्छा आपने आई लव यू तो कहा होगा, तो लेकिन आज हमको आई लव यू नहीं कहना, आज हमको कहना है आई लव मायसेल्फ। मैं कहूंगा आई लव मायसेल्फ, आपने भी मेरे साथ कहना है। मैं दीप पर कहूंगा, आपने मेरे साथ कहना है आई लव मायसेल्फ, आई लव मायसेल्फ, आई लव मायसेल्फ। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम लोग सक्सेस को ही खुशी समझ लेते हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि फिलहाल ये भी अच्छी बात है कि हम सक्सेस को खुशी समझ लेते हैं, मगर क्या वजह है कि हम लोग जो है फिर भी खुशी पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छे मकान की मंजिल के बावजूद भी हम खुशी पर मजबूर हो जाते हैं। आपने एक इंडियन एक्टर के बारे में तो सुना ही होगा, उस इंडियन एक्टर ने खुशी की, जब खुशी की तो फेसबुक पे भी बहुत वायरल हुआ, क्या पता है चला के उसे स्कूल नहीं था। अगर आपके पास स्कूल होता
जब भी पाया बहुत मुखलिस पाया, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बहुत प्यार करने वाले और उर्दू और इंग्लिश दोनों पे उबूर रखने वाले। आपसे इंशाल्लाह आशना करवाते हैं एक सेकंड में, मेरे उस्ताद मोहतरम सर नसीम सर यहाँ पर आएंगे और आपसे आशना होंगे। क्लैपिंग होनी चाहिए सर। मम्मी स्कूल जाना है,
एक वो स्कूल होता जहाँ अम्मा चमाट मार रही थी, चलो स्कूल जाने। होना ये चाहिए कि बच्चा माँ बाप को तंग करे कि स्कूल जाना है, कैसे होगा? वही बात है कि हम वो जो यहाँ की बात की थी बड़ी प्यारी हेल्थ पे, शायद आई थिंक आपने भी, वो हेल्थ अकेला नहीं है, हेल्थ के बाद यहाँ कुछ सीटी के भी बैठे हैं, मोदी सीनियर भी बैठे होंगे, हेल्थ के बाद हमारा हर्ट आता है, हर्ट के बाद हेड आता है, ब्रेन ब्रेन डेड आपका हेड आता है। अगर मोंटेसरिया ईसी के थ्रू आप हेल्थ से लेके हैंड तक जाते हैं, तो छोटी सी आपको बात बताऊं, आप डोनर्स पैदा करते हैं, आप सोसाइटी में डोनेट करने वाले लोग पैदा करते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, चार एच पे काम नहीं करते, तो याद रखिएगा ये जो आज छोटा सा नाम लेता हूँ शायद अच्छा ना हो, रिसीवर्स जिनको आप बिगाड़ी थे, यही पैदा करते रहेंगे। सिर्फ पहली सालगिरह पे तो ऑटोमेटिक ले लिया था, जो आया वो देता रहा, दूसरी पे ले लिया, तीसरी पे मांगना शुरू किया, चौथी पे फिर मांगना शुरू किया। भाई छोटा सा बजट बना लो यार, छोटा सा बजट बना लो, मेरे बच्चे की सालगिरह है, मेरे जैसे गरीब आदमी के 10,000 खर्च होते हैं, तो माशाल्लाह आप लोग तो लाख भी खर्च करते होंगे। ये पैसे चेंज करा के बच्चे के हाथ में दो कि बेटा ये तो बच कर नहीं थे, ये लेके जाओ, तलाश करो उन लोगों को जिनकी जरूरत है, उन लोगों की तरह नहीं बनो जो मोटर पंप के चौराहे पे पहुंचते हैं, गाड़ी की जस्ट विंडो नीचे करते हैं और नोट्स यूं बांटते हुए चले जाते हैं। दैट्स नॉट गुड, ये हमारा माशरा इस तरह बर्बाद ही होता रहेगा। ट्रेनर्स एक ऐसा नाम है जिसमें आपको एक ही चीज मिल सकती है, ब्रह्मवादी एक ही चीज मिल सकती है, जिसका नाम है इज्जत। अगर पैसे के पीछे भागेंगे बहुत मिलेगा, बहुत इज्जत नहीं मिलेगी। अब ये देख ले क्या चाहिए, जस्ट एक चीज के बाद पीछे भाग ले और वो जो अल्लाह की अता है ना, वो खुद ब खुद आ जाएगी। यानी आपने हासिल क्या करना है, दिल की गहराइयों से रिस्पेक्ट, क्या कमाना है रिस्पेक्ट। मैं आपको गारंटी देता हूँ वो जो ऊपर वाले की अता है यानी सुकून, वो खुद ब खुद आ जाएगा। आइए आज हम भी बच्चों की तरह एक स्टोरी बहुत शेयर कर देते हैं कि एक शख्स समंदर के किनारे बैठा था और उसके पास कोई बेड नहीं था, तो मिट्टी पे ही टांग के टांग धरे मजे से बैठा था, मौसम बहुत अच्छा था, काफी देर से देख रहा था कब से ऐसे ही बैठा बेकार हो गया। उसके बस बोला यार बात टाइम क्यों वेस्ट करते हो, बोला अच्छा क्या करूँ क्या काम करूँ, बोला ओके कर लेता हूँ, फिर क्या होगा जो तो पैसे कमाओगे पॉलिटिक्स पे, हमारे बड़े लेक्चर्स होते हैं, पॉलिटिक्स पे होते हैं,
सारी चीजें हैं, क्रिएटिविटी है, आर्ट इनका आपने हर चीज मीन्स हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास्टर ट्रेनर उन बहुत बड़ी नीड है टीचर्स एज अ मार्केटिंग टूल फॉर बहुत सारे टॉपिक्स हमने नए क्रिएट किए हैं जिसको हमारी नीड हो फेसबुक पे नहीं सर आप वो भी कहते ना सर बुढ़ापे में भी जवानी की याद रखते हैं सर आज वाली पिक्चर अपडेट कर लीजिएगा फिर मैंने एक शेर एक दफा पढ़ा था कि तेरा मुरमुरे इबादत तुझे ना ले लूँगे सुना है पढ़ता था इब्लीस की नमाज़ें I was the grade 16 officer in the FBR. जितना मेरे पीछे भी मोबाइल होती थी, आपके मोबाइल होती थी बीच में, मेरी वो जीप जा रही होती थी ज़माने फोटो आ गई थी। मेरी उम्र माशा ने उम्र की जांच हाल एक दो लोग नहीं आए। पैदा हो गए होंगे जब मैं टेक्निकल लाइफ में था तो उन्होंने बहुत अच्छी समझ ली लेकिन जब ये शेर सामने आया ना तो जिंदगी बदल गई पहले क्रिएटिविटी थी इनकम टैक्स में पहली बार सेल्फ असिस्टेंट स्कीम मैंने नहीं इन्वेंट की थी तो मेरे कमिश्नर के नाम से आने के इट्स ओके हमने तो काम करना है सैकड़ों किताबें लिखी हैं मेरे नाम क्या हो गया क्योंकि मैं बड़ा मलंग था मैंने अगर आपसे एक छोटी सी बात जो रजिस्टर्ड एंटिटी है तो मैं जानता हूँ उनके नंबर मेरे पास है तो मुझसे कनेक्टेड भी है मोर देन 16,000 मेरी फीमेल टीचर्स स्टूडेंट्स ट्रेन हो चुकी है मैं टीचर्स चाहे वो औरंगी के उन इलाकों से हो जहाँ घर से निकलते वक्त पहले डांस पर किया वापसी में पूरी इमिग्रेस होती है वहाँ से मोटिवेशन स्पीकर्स बना के लेकर आते हैं अभी भी रोजाना दो चार नई मोटिवेशन स्पीकर्स वहाँ से तैयार होते हैं और फेसबुक तक आते हैं और माशाल्लाह जिंदगी जैसे आज के दौर में पैसे की तस्वीर भी अच्छी होती जाती है मैं ये नहीं चाहता कि मैं PECHS में जाऊँ और मुझे बड़ी अच्छी अर्निंग मिले क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम अल्लाह का दिया सब कुछ अर्निंग को रिस्पेक्ट और सुकून दोनों तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जहाँ नींद हो क्योंकि मुझे पता आप लोग सब वेल्स हैं आपको नींद नहीं है तो मुझे अच्छे से पता आप किसी को कोई नहीं अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने ग्रुप्स के लिए टीचर्स के लिए जिनके लिए भी आपको कॉग्निटिव ग्रोथ पर नीड हो प्लीज यू कैन कॉल चाहे आप कराची या सिंध कोने में भी होंगे हम आप पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ताला आप सब शुक्रिया थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि हमने वाइंड अप करना है सर्विसेज में हम दोनों मिलकर कारोबार भी करते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय नेम इज अशीन और जिस तरह आमिर साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन हो गया तो मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं और शाहिद भाई से तो बहुत एक दिल का रिश्ता है हमारा और स्टडी सेशन के साथ बहुत सारे अकेडमिक किए कराची में भी कराची से बढ़े हुए और हमारे बहुत सारे यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं जो बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं और उनको यही कहूँगी कि जो न्यू ट्रेनर्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक और जो पुराने हैं और वो मज़ीद अच्छा काम करें बेसिकली हम लोग एंड ऑल्डर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और मैं ऑल्डर ग्राउंड पर काम करती हूँ तो मैं कोई भी अगर अपना सेशन करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें और उनसे सीखें क्योंकि देखिए ट्रेनर बनना कोई मुश्किल नहीं है मगर ये आपकी तरफ से जो है वो गॉड गिफ्ट है जिस तरह सर ने कहा तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और बिजनेस के हवाले से कोई भी अगर आपको आइडिया चाहिए कोई भी अगर आपको सजेशन चाहिए तो हमारा नंबर है शायद नहीं के पास आप दे सकते हैं और अभी मैं फिर सेशन से स्टार्ट करना चाह रही हूँ तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करें और बहुत अच्छा लगता है इस तरह की एक्टिविटी देख के क्योंकि हम लोग भी ऑफिस से डायरेक्ट आ रहे हैं और जिस तरह सर ने कहा कि कोई स्टूडेंट है कोई पेरेंट्स हैं कोई सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है कोरोना की वजह से सब जो है उस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली चल रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर शायद भाई कोई सेशन करते हैं तो दोनों भी टाइम निकल के ज़रूर अटेंड करें क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ हमेशा सीखती हूँ और आगे वही डिलीवर करती हूँ एक बार बहुत शुक्रिया सर शाहिद भाई का थैंक यू सो मच खासकर बिजनेस एंड सेशन से ट्रेडिंग फाइनेंस है इंपॉर्टेंट
टेक्स्ट बुक ऑपरेशन हो या सबमिशन मैनेजमेंट हो, तो शायद मैं जब उसमें डबल है सारे फिर पॉज होते हैं। थैंक यू। ये उम्र में बहुत बहुत मुश्किल का सामना कर रही और मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी डिफरेंट हूँ और काफ़ी डिफरेंट पाया अपने आप को और मैं बहुत प्राउड इसलिए फील करती हूँ क्योंकि मैं एक फर्स्ट ट्रांसजेंडर यंग ट्रेनर हूँ और अमेरिकन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मैंने जाकर अपना लेक्चर दिया है और मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ। मैंने नाम किया, नाम मुझे याद था जैसे लोग इस मुआशरे को पॉजिटिव तरीके से ला रहे हैं और इस मुआशरे से इस जरासीम को और इस जो क्लास सिस्टम में ये सिस्टम को आप जो है माशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी की तरफ। तो आप थोड़ा सा यहाँ मैं अपनी अंदाज में पुलिस अंदाज में रेंजर्स अंदाज में आप खेलिए। थैंक यू सो मच। खुद से प्यार यही तो चीज़ है, जिंदगी इसी का नाम है, खुद से प्यार। वाह वाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक इंसान जब खुद से प्यार करता है ना तो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा यहाँ पर बात करने का तो बहुत ही कम रह गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर और मर्दों के साथ मेरी हमदर्दी हमेशा से रही है क्योंकि मर्द शुरू से बेचारा होता है क्योंकि इसलिए बेचारा होता है तो शादी से पहले नहीं शादी का शौक होता है और शादी के बाद और खवातीन के ऊपर ना बड़ा एक मतलब तो जो भी समझे गए लेकिन असल में यह है खवातीन का साथ ये रहा कि उनका जिंदगी में कुछ नहीं हो पाता, बहुत कुर्बानियाँ देती है एक और बचपन से लेके जवानी और जवानी के बाद शादी और शादी से लेकर बुढ़ापे तक और इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खबर की नहीं भी हो पाती और हो भी पाती है, हस्बैंड का बनाया हुआ घर मिल जाता है, सास पुत्र का प्यार मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है लेकिन खवानीन की जिंदगी में एक चीज नहीं हो पाती। अगर आपको पूछना चाहेंगे क्या बताना चाहूंगा एंड दैट इज कॉल्ड गलती। दुनिया में 99% और एक परसेंट ईमान भी है तो आधे घंटे बाद दे रही होती है, मतलब गलती मेरी नहीं। तजुर्बा 3 साल की शादी के बाद मेरा
ट्रेनर्स मौजूद हैं और व्हाट आई सेड टू द ट्रेनर्स के ट्रेनर्स होता क्या है, ट्रेनर है क्या। जोएल बर्गर ने बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन दी थी, मेरी नज़र में वो डेफिनेशन हम तमाम लोगों पर फिट बैठती है अगर हम उसको समझ लें। जोएल बर्गर सेड अ लीडर इज समवन यू चूज टू फॉलो हु अपीयर्स हियर वेयर यू वुडंट गो बाय योर। बेहतरीन डेफिनेशन लीडरशिप की हमें जोएल बर्गर ने दी थी और अगर दुनिया में बात की जाए बेहतरीन लीडर की तो वो बात शुरू होती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी ऑल चूज हिम बिकॉज हम वहाँ तक खुद नहीं पहुँच सकते जहाँ तक हमें जाना है और दैट इज द रीजन हमें भी लीडर बनना है और लोग हमें फॉलो करें, हमें अपने किरदार से, गुफ्तार से, बातचीत के अंदाज से, बैठने उठने हर एक चीज से फील होना चाहिए दैट वी आर द ट्रेनर एंड वी आर द लीडर्स बिकॉज वी आर द चेंज मेकर। सो वी शुड मेक इट। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत यंग लेकिन अच्छा। हेलो जी साहब, मेरा नाम आसिफ अजीम है। I started my teaching career 20 years back as software for the Digma Nadi Foundation. So it's an honor for me and I'm very much thankful to Sir Shahid Qureshi and the Knowledge World Skills Development Center ki aapne ek behtareen opportunity di jahan pe pure shahar ke balki main yun kahun ke mukhtalif shaharon se aaye hue yahan pe intellectuals aur mentors aur trainers yahan pe maujood hain. To to cut it short, मैं बस ये शेयर करना चाहूँगा कि टीचिंग में और ट्रेनिंग में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे और मुख्तलिफ इश्यूज पे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं और उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी नोमा खान, बस नोमा खान लास्ट है, उसके बाद मुझे बुला लो। तो इसके साथ विवेक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ जो अटल है, जो हकीकत है, वो हम सब ने मरना है और मरने के बाद हमसे पांच सवाल किए जाएंगे तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को उन पांच सवालों के लिए तैयार कर सकें और हम उस अपने पूरे माशरे को उन पांच सवालों के लिए जो है वो तैयार कर सकें। इसमें सबसे पहला सवाल हमसे यकीनन पूछा जाएगा कि हमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है कि पैदाइश से लेकर डेथ तक जो है वो हमारी पूरी की पूरी तैयारी होनी चाहिए कि हम किस मकसद के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। फिर दूसरा सवाल जो हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। हालांकि ये सवाल यकीन पहले सवाल का एक हिस्सा है, जब आपसे पूरी ज़िंदगी के बारे में पूछ लिया गया तो फिर जवानी को अलग से पूछने का एक खास मकसद है कि जवानी में आपके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, आपके पास मेंटालिटी रिसोर्सेज सारी चीज़ें आपके पास ज़्यादा होती हैं तो वो एक खास मकसद जो आपके पूरे ज़िंदगी का एक विजन हो उसके आप स्पेंड करें। ये दूसरा सवाल हमसे किया जाएगा तो हमने यकीनन उसके लिए भी तैयारी करनी है कि हमने अपनी जवानी कहाँ से गुजारी। और तीसरा सवाल जो कि बहुत अहम है इस माशरे के लिए कि माल कहाँ से कमाया, तो वी मस्ट नीड टू नो द रिसोर्सेज कि हम किन सोर्सेज से, किन जराए से जो है वो हम अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। और चौथा सवाल यकीनन ये होगा कि उस माल को आपने खर्च कहाँ पर किया। सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने किस जराए से माल हासिल किया है बल्कि ये भी पूछा जाएगा कि आपने किस जराए पे उससे खर्च किया है। और आखिरी सवाल जो आपसे पूछा जाएगा जो इल्म आपने हासिल किया, जो मैंने हासिल किया उस इल्म पे मैंने किस हद तक अमल किया। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम अपने ट्रेनिंग्स में, हम अपनी क्लासेस में जहाँ पर हमारे पास की छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको किसी न किसी खास एक बिगर ऑब्जेक्टिव के साथ जो है उसको अटैच करके लेकर चले। तो दैट्स माय मैसेज। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। नौमा पिछले साल लॉकडाउन में मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना स्टार्ट किया मैथोलॉजिक्स के नाम पे और जो बेसिकली मैथमेटिक्स की टीचिंग और लर्निंग पे वर्किंग कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक चार पांच ट्रेनिंग जिसमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी है करवा चुके हैं। तो मेरा मैसेज बस इतना है कि आप
नॉर्थ और साउथ को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने वाले, फीमेल और मेल को साथ लाने वाले, पश्तून सिंधी महाजन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने वाले, लॉ एजुकेशन और बहुत सारे इदारों के लोगों को यहाँ पर एक साथ बहुत खूबसूरती से प्यार से एक मान वाले five
40 फ्रेंड्स के इंस्टीट्यूट में और 7 जो है वो यहाँ वही लोग बैठी हैं उनके इंस्टीट्यूट में। हमने साल में टैलेंटेड स्टार स्पीच कॉम्पिटिशन 12 करने हैं और ट्रेनर्स एंड स्पीकर कॉन्फ्रेंस भी कितनी करनी है? ये कौन सी है? और आने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेसिकली मकसद ये है कि अगर हम 12 करेंगे और हर सेशन में 40 ट्रेनर्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो साल के आखिर में ये 480 हो जाएंगे और 500 लोगों की एसोसिएशन तैयार हो जाएगी। बेसिकली आखिर में हमने एक एसोसिएशन क्रिएट करनी है, एक ऐसी नेटवर्किंग क्रिएट करनी है जहाँ जब कोई मार्केटिंग हो तो सबके फ्लायर चले। आपने देखा होगा कि जिसने कोई फ्लायर या कार्ड अगर कोई यहाँ दिया तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो कभी इस तरह का कोई इवेंट हो, अगर कोई मार्केटिंग स्टाफ आपके पास मौजूद भी शेयर करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिकॉज हमारा मकसद ये है कि हमने लोगों को क्या करना है, खिलाना। आपने देखा होगा कि मेरा इतना कम मतलब ये कि हमने मैक्सिमम तमाम लोगों को टाइम दिया क्योंकि लोग लेट भी आए, लेकिन कोई मसला नहीं क्योंकि हमारा मसला ये है कि कोई मसला नहीं। हमारा मसला क्या है? कोई मसला नहीं क्योंकि एक बहुत प्यारा शेर है, बात दिल की जबान पे आती है, बात दिल में कहाँ से आती है? तो बात दिल में डालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो मुझे अल्लाह ताला बार बार डालते थे कि सबको बुला लो वरना लोग नाराज होकर ना जाए। मैं काजी अहमद की तारीफ कर रहा था, हूँ हैदराबाद से उन्होंने ज्वाइन किया है जो कि एस सर मैं जाने वाला से माशा से ये कम्प्लीट कर चुके हैं और उनके साथ एसोसिएटेड भी हैं तो उनकी टीम ने भी हमें ज्वाइन किया कि हमारे लिए बड़ी अरबाज की बात है। यहाँ मैं बात यहाँ एंड करूँगा। जो कोर्सेज आपका नॉलेजबल स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर करवा चुका है उसमें बहुत सारे जैसे PTC प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स दसेंदा करवा दें, 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल्स हम तकरीबन 5 डेज का करवा दें, 3 डेज 7 डेज से करा दें। तकरीबन तमाम ही कोर्सेज जो हमारी प्रोडक्ट है वो कहीं 4 सीजन पर करिए, कोई 5 पे करिए, कोई 6 पे करिए, कोई 7 पे। जब हम एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो उसको फिर हम छोड़ते नहीं है, उसी पर हम काम करते रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जहाँ ये कलेक्टर्स मौजूद हैं आप भी यहाँ आ सकते हैं जैसे आना चाहें। आप चाहते हैं कि मैं किताबें ले लूँ, आप चाहते हैं कि कैश फाइनेंशियली को सपोर्ट कर दें, लेकिन वो आपकी मर्जी होगी, हमारी मर्जी। जहाँ हमारी डिमांड होगी वहाँ हम डिमांड करेंगे, जहाँ भी पैसे हम डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर हस्बैंड ऑफिस जो कलेक्ट्रेट करना चाहे हमारे गाड़ी के साथ कलेक्ट्रेट कर सकता है। ठीक है जी, जहाँ इस बात को जो है मैं एंड करूँगा और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और सबके लिए ताने बताने और मैडम साहिब मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग की जर्नी शुरू ही नहीं सराहना नहीं करवाई थी, तो उनके लिए ताने बताइए। साहिब साहब नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी मुझसे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मैडम साहिबा से बहुत कुछ सीखा। इन्होंने हमें एक मोटिवेशन दी, एक स्पार्क दिया कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अपने लिए तो जीते हैं सभी, जहाँ में जिंदगी का मकसद और के काम आना। अगर आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे तो कल कोई आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करेगा, अगर आप ही ऐड नहीं करेंगे तो वो ऐड नहीं करेगा, सब्सक्राइब करेगा, क्या करेगा? माइनस कर देगा। मान लेना एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा बिल्कुल। और आपने बताना चाहूँगा कि मैडम पहला जैन जो है गेम्स के हवाले से काम करें, उनके गेम्स मौजूद है इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के जो बहुत सारे सितारे हैं बैठे हैं उनकी गेम्स पर चेक कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए। 800 रुपीज़ का 1 रुपीज़ का है वो यहाँ मौजूद है, वहाँ आप जो है कोई बात मोहम्मद अमार से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको उस हवाले से गाइड करेंगे। अब हम 15-15 लोगों को बुलाएंगे और सीरीज देंगे, ठीक है, एंड करेंगे। एक दफ़ा खड़े हो जाएगा, एक दफ़ा खड़े हो, ठीक है, और अपनी अपनी गर्दन को लेफ्ट पे लेके जाइएगा, ठीक है, अब अपनी गर्दन को राइट पे ले जाइएगा, ठीक है, अब फिर लेफ्ट पे ले जाए, फिर राइट पे ले जाए, ठीक है, बैठ जाइए। बेसिकली मैंने आपको थोड़ा जिंदा करने की कोशिश की, नो मा अच्छा जी आसिफ वजीम मिस्टर शीन आमिर आबिद हुसैन मासूम उमर रसूल मोहम्मद जहीम खान, ठीक है सर, आपने तो शुरू देखी दिल्ली से और अच्छा इतना इनकी ग्रुप फोटो हो जाए किसके साथ सर जावेद आ जाए अच्छा।
बेटा ये सारी सीढ़ियाँ ना, इसके बाद सर अहमद तकवी है, अदनान आरिफ साहब बहुत जबरदस्त काम कर रही है, सर आदमी इनकी है ना, इधर से फिर मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े प्यारे आप आइए, फायका इराम अरशद नहीं आई है, जावेद रिसो है नहीं आएगी, मार तो यूरोपियन रिसर्च ने साबित कर दिया है कि बीआरआई राहिला वकार खालिद अहमद साहब अगर यहाँ पर है तो आज आइए सर अंसार आइए, इससे पहले के सीन खत्म हो गया बात कोई भी पकड़ के दीजिए, खूबसूरत से हमारे दोस्त सर जाहिद सिद्दीकी साहब के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिएगा।